हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका सीटेट मैराथन क्लासेस में। और आज हम शुरू कर रहे हैं सीटेट मैराथन क्लासेस 2023। इसमें सारे सब्जेक्ट की हम क्लासेस करने वाले हैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट के मैराथन यहां पर हम करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले शुरू करते हैं एक शेर के साथ, जो कि बहुत ही प्यारा है और बहुत ही मोटिवेशनल है, जो कि मेरा फेवरेट रहा है हमेशा से। और वह है, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, जरा आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें। मतलब इतने कमजोर हम नहीं है कि छोटी मोटी परेशानियां से, छोटी मोटी दिक्कतों से या स्ट्रगल से हार मानकर हम अपना रास्ता बदल दें या अपनी मंजिल को छोड़ दें। आने दो, परेशानियां तो सबके लाइफ में आती ही हैं। यहां पर हमारे सामने जो मंजिल है वो है हमारी कि हमें सीटेट का एग्जाम अच्छे से पास करना है, अच्छे नंबरों से पास करना है। परेशानियां आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, गिरेंगे लेकिन फिर से उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर से उठेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। कब तक? जब तक हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते। आने तो कितनी परेशानी आएंगी सबको देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो इसमें हम सारे सब्जेक्ट की मैराथन क्लास करेंगे एक एक करके। और ये जो मैराथन क्लासेस होंगी, सिर्फ ये मैराथन क्लास ऐसी होंगी जो आपका पूरा एग्जाम पास करा देंगी। यानी कि अगर आप ये सारे सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर कवर कर लेते हैं, सारे सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस आप यहाँ पर देख लेते हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत ही नहीं है जो आपका सीटेट एग्जाम रोक दे। मेरे से लिख के ले लो आप, सीटेट का पेपर इन मैराथन क्लास से बाहर बन ही नहीं सकता, नहीं बन सकता। क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा जो इन मैराथन क्लासेस में कवर नहीं होगा। इस बार अलग ही लेवल की, नेक्स्ट लेवल की मैराथन क्लास होने वाली है। हो सकता है थोड़ी सी लंबी जाए वीडियो, लेकिन इतनी ज्यादा परफेक्ट इस बार मैराथन बनाने वाले हैं कि पूरा का पूरा पेपर अगर इसमें से ना फंसा तो फिर बात ही क्या है। एक भी पॉइंट आप, जब आप खुद से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या कोई भी ऑनलाइन एग्जाम सॉल्व करोगे, खुद आप देखोगे कि ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा जो सॉल्व ना कर सको, बिल्कुल अलग ही लेवल का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और अलग ही एनर्जी के साथ में हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे शुरू में देखिए, यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है, आज की जो मैराथन में करेंगे वो करेंगे CDP, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और ये आपकी, यहां पे मैंने सामने लिख दिया है, 30 में से 30 नंबर, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। 30 क्वेश्चन में से 30 ही फंसेंगे, 29 भी नहीं। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा पूरी मैराथन में जो आपका बाहर निकल जाए। लेकिन जो लोग नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बाद में आप अगर मिस हो गई वीडियो तो ढूंढते रह जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, उससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी, ठीक है। देखिए, तो यहां पर बात करें तो ये आप जो डेली मैराथन क्लास आएगी, ये आएगी आपकी शाम को 5 बजे। सारी चीजें मैं शुरू में ही बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे की मैराथन वगैरह सब चीजें देखने में। तो 5 बजे डेली आपकी आएगी। अब यहाँ पे 5 बजे जो मैराथन आएंगी वो दो तरह से आ सकती है। एक तो हमारी मैराथन क्लासेस चलेंगी लेक्चर वीडियोस, जो इस तरह से जो अभी आप देख रहे हो। दूसरी होगी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो कि मैं पहले ही अनाउंस आपके सामने कर चुका हूं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है आपके पूरे के पूरे 150 नंबर का, यानी कि 5 सब्जेक्ट मिलाकर के फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों करेंगे। और वो भी आपका एक तरह की मैराथन ही कहलाएगी, लेकिन उसको मैं नाम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही दूंगा, वो मैराथन में काउंट नहीं होगी। बस मैं बता इसलिए रहा हूं कि किसी किसी दिन 5 बजे आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बीच बीच में मैं डालूंगा, ताकि आपका जो है ये कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस भी और वो सब चीजें प्रीवियस पेपर भी आपका सॉल्व होता रहे, ठीक है। इतना इसलिए बताया। अब ये जो जितनी भी मैराथन क्लासेस होगी, इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी चैनल पे, और उसका नाम होगा सीटेट मैराथन क्लासेस 2023। तो ये आप यूट्यूब पे सर्च करके भी सामने आ जाएगी। बाकी प्लेलिस्ट देखना आप सबको आता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया भी है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पे प्लेलिस्ट का नाम होगा सीटेट मैराथन क्लासेस 2023, उसमें सारी मैराथन ऐड होंगी, इसके बाद जो आएंगी वो सारी, ठीक है। तो वहां से आप देखते रहेंगे। अब बढ़ते हैं हम क्लास में अपने आगे, ओके। उसके अलावा जिन लोगों को सीटेट के नोट्स चाहिए होंगे वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले पाएंगे, ले सकते हैं 8532855503। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, वहां पे आपको पेड नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ये नोट्स आपके सारे सब्जेक्ट के होंगे, सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स कवर होंगे उसके अंदर, सारी चीजें एनसीईआरटी भी कवर होगी,
टोटली, यानी कि आपका पूरा पेपर जो है, नोट्स का फायदा क्या है ये मैं आपको बता दूं पहले। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सारा समझ में आ जाता है, लेकिन जब आपके हाथ में नोट्स रहते हैं तो आप किसी भी टाइम उसको रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले भी आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, मैराथन क्लासेस आप एक दिन पहले सारी नहीं देख पाओगे। तो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे समझेंगे, उसके साथ में फायदा ये होता है जब आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो साथ में फटाफट से, जैसे आपको कोई क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं, कोई क्वेश्चन या कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहीं पे फटाफट से अपना नोट्स खोले, पीडीएफ खोली, वहीं सेम कॉन्सेप्ट पे गए, पढ़ा उसको, रिवाइज किया, हाँ ये समझ में आ गया। उससे क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत इफेक्टिव तरीका होगा आपका, और उससे साथ में प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से होती रहेगी। तो नोट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ले लेना, ठीक है। बहुत सारे लोग पहले ही ले चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे, देखो, और इस बार जो है कॉन्सेप्ट के साथ में आपके प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने अभी लिखा हुआ भी था यहाँ पे, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, यानी कि पहले हम जो है सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद में उस कॉन्सेप्ट से, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ताकि प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहे, और आपको ये भी समझ में आएगा कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो हमारा रिलेटेबल समझ में आ गया है या नहीं आया है, एनालिसिस साथ में होता रहेगा। और जितने प्रश्न इसमें ऐड करेंगे वो सारे 2022 वाले ऑनलाइन एग्जाम के होंगे, पुराने नहीं करेंगे, तो उससे आपका बिल्कुल करंटली जो है वो नई तैयारी होगी, ठीक। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। जो पहला टॉपिक है आपका, या पहला चैप्टर कह लो, जो बाल विकास का, वो है आपका विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। ये आपका पहला टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विकास होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट है हमारे साथ में, तो उनका जो है बिल्कुल बेस बनना बहुत जरूरी है। अगर हम जो है फास्ट चलेंगे या अपर लेवल पे लेके चलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी चीजें, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको जो है रिवीजन होता चला जाएगा और साथ में एडवांस चीजें पता चलते चल जाएंगी। इसलिए हम बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना सब लोग, और आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। देखो, विकास का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। विकास जो है एक्चुअल में, ये शब्द आपने सुना सबने है, बस इसको हम अपनी एजुकेशनल लाइन में या सीटेट में या बाल विकास में कैसे उसको समझते हैं वो समझना बाकी है। एक बार विकास का मतलब समझ में आ गया तो आपको मानव विकास भी समझ में आ जाएगा, आपको बाल विकास भी समझ में आ जाएगा, सब चीजें, मतलब जो है किस तरह से विकास होता है वो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो विकास का सीधा मतलब होता है आपका किसी चीज में या तो परिवर्तन होना या फिर बढ़ोतरी होना, बस दो ही चीजों से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे देश का विकास हो रहा है, या हम देश में विकास कर रहे हैं, या कोई मंत्री अपने भाषण में भी कहते हैं अपने राज्य का विकास करेंगे, अपने गांव का विकास करेंगे, तो उनके विकास का मतलब क्या है, मतलब उसमें कुछ चेंजिंग लाएंगे, बदलाव लाएंगे। ये कहते हैं ना कि हम देश में बदलाव लाएंगे, बहुत सारे आपने जो है सुना है इस तरह से नेता लोग जब भाषण देते हैं कहते हैं हम कि विकास करेंगे, बदलाव लाएंगे। तो परिवर्तन जब कुछ होता है, कुछ चेंज जब होता है, उसी को डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे जो है एक ऐसी जमीन पड़ी हो जो बंजर हो, जहां पे जंगली घासें उग रही है, वहां पे उपजाऊ फसल भी नहीं है, वहां पे कोई घर नहीं है, अब वहां पे कोई आए मंत्री या कोई ऐसा महान व्यक्ति, तो उसको जो है एक लीडर, एज अ लीडर बन के उस जगह की सफाई करवाए, वहां पे पेड़ पौधे लगवाए, या नई खेती के लिए उसको उपजाऊ बना दे, और वहां पे कुछ घर वगैरह बना दे लोगों के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो है विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, और उस जगह पे क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो इससे हम इसी चीज को हम कह रहे हैं प्रगति होना, यानी कि आप जो है बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो किसी भी प्रकार की प्रगति हो या उन्नति हो, जैसे कि वो फॉर एग्जाम्पल आपके शरीर में हो रही है, यानी कि एक बच्चा होता है छोटा, जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उसके अंग जो है, शरीर जो है वो बढ़ रहा है, उन्नति हो रही है। इसी प्रकार से उसकी सोच में उन्नति हो रही है, जिसको क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं हम। उसकी जो है सोचने की शक्ति बढ़ रही है, उसका जो है विचारधारा बड़ी हो रही है, वो चीजों को समझ रहा है, काम करना सीख रहा है, बहुत सारी चीजें, पढ़ाई करना सीख रहा है, तो उसमें क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो सिंपल सा अर्थ इसका, एक शब्द का यही निकलता है कि किसी चीज में या तो बढ़ोतरी हो रही है या फिर परिवर्तन हो रहा है। अब विकास को दूसरे, ये निगेटिव स्वरूप भी है इसका एक, कि विकास कम भी हो सकता है, सिर्फ बढ़ोतरी ही नहीं होती, विकास कम भी होता है, विकास जो है वो पीछे भी हटता है। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे एजुकेशन के हिसाब से, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से, तो उसमें हम जो है सिर्फ बढ़ने की ही बात करते हैं कि विकास को कैसे बढ़ाया जाए। भाई घटाने के लिए थोड़ा पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों को, हम उसके विकास को बढ़ा रहे हैं, विकास को उन्नति दे रहे हैं, बढ़ोतरी दे रहे हैं, सिंपल सी बात इतनी हुई।
अरस्तु के द्वारा, अरस्तु के अनुसार जो है विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यानी कि आंतरिक कारण कौन से हुए, जो आनुवंशिक कारण होते हैं, जो विशेषताएं वो बच्चा अपने माता पिता से अपने पूर्वजों से लेकर पैदा हुआ है उसको क्या कह रहे हैं, आंतरिक कारण कह रहे हैं। और बाह्य कारण कौन से हो गए, हमारा वातावरण। बाह्य कारकों में कौन कौन से आ जाएंगे, आपका स्कूल भी आ जाएगा, आपके माता पिता की परवरिश कैसे कर रहे हैं वो, आप किस घर में पैदा हुए हैं, उसका कल्चर क्या है घर का, या वहां पे शिक्षा कितनी मान्य रखती है, तो वो सब चीजें जो है, और आपका स्वास्थ्य भी आएगा उसमें बाह्य कारकों में। आपके घर की कंडीशन अच्छी होगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सब चीजें आती हैं। तो आंतरिक और बाह्य दोनों कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन जो होता है उसी को विकास कह रहे हैं अरस्तु। ठीक है, अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं और सारे पॉइंट आप नोट करते रहना या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, जैसे आपको ठीक लगे, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। थोड़ी सा गर्मी का मौसम तो है जो कि दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहां से कहानी शुरू होती है, यहां से आपके प्रश्न बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन से प्रश्न बनेगा आपका, तो ध्यान से सुनना, 10 सेकंड की भी स्किप होगी वीडियो तो समझो एक प्रश्न आपका मिस हो गया। तो यहाँ पे जितने भी शब्द लिखूंगा ना, जितने लिखे हुए हैं उनमें से एक एक से प्रश्न बनेगा। देखो विकास के अभिलक्षण, तो प्रश्न अभी पिछले साल भी आया था कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, तो उन ऑप्शंस में यही दे रखे थे, ये वाले ऑप्शन। तो इसके अभिलक्षणों में क्या है, सबसे पहला तो होता है निरंतरता, यानी कि कंटिन्यूटी, कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे भी पॉइंट याद रखना कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि विकास जो है वो जन्म से स्टार्ट होता है, मतलब दुनिया में इंसान आया है, बच्चा आया है तब से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, ये गलत है। विकास जो है वो तब से स्टार्ट होता है जब बच्चा माँ के पेट में कंसीव होता है, यानी कि जब जो माता की गर्भावस्था जो स्टार्ट होती है पहले दिन से ही, वो वहीं से जो है बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तभी तो वहां से बच्चा जो है, जो शुक्राणु और अंडाणु से सिर्फ एक सेल बनता है, एक सेल बनता है ना, उस एक सेल से 2, 3, 4 और फिर 100, फिर 1000, फिर 2000, फिर मिलियंस, तो इस तरह से एक एक सेल का निर्माण होता है। तो वो जो सेल का निर्माण हो रहा है वो विकास ही तो है, वो डेवलपमेंट ही तो है। और एक और पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है कि माँ के गर्भ में बच्चे का कौन सा अंग होता है जो सबसे पहले बनता है, तो भाई मैं आपको बताऊं, वो होता है आपका ब्रेन, यानी कि आपका जो मस्तिष्क है वो सबसे पहले बनता है, जो आपका सिर है वो सबसे पहले बनता है, उसके बाद में बाकी के अंग बनने स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये हमने ये तो बात कर ली कि शुरू वहां से हो रहा है, खत्म कहाँ होगा, मरने के बाद होगा, मतलब मृत्यु तक आपका विकास जो है वो चलता रहता है। अब आप कहेंगे मृत्यु तक कैसे चलेगा, 18-20 साल में तो रुक जाता है, नहीं, सिर्फ शारीरिक विकास रुकता है 18-20 साल की उम्र तक, सारे विकास नहीं रुकते, सारे विकास चलते रहते हैं। जैसे कि सामाजिक विकास है, तो भाई क्या आपको लगता है कि 18-20 साल के बाद हमारी सामाजिक विकास रुक जाता है? मैं तो आज भी सामाजिक चीजें सीख रहा हूँ, मैं आज भी हर रोज बाहर निकलता हूँ, घर से कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिल जाती हैं। आप लोग भी बहुत सारी चीजें सीखते होंगे, भाई सामने आपको कोई मिला कि कोई भिखारी बैठा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपकी हेल्प की नीड है, आप उसकी हेल्प करते हो, या कोई व्यक्ति किसी की हेल्प कर रहा होता है उसको देख के आप सीखते हो कि हाँ यार हेल्प करना अच्छी बात होती है, तो ये भी तो सामाजिक विकास है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम डेली सीखते हैं, रोज रोज सीखते हैं। तो ये जो सामाजिक विकास है ये हमेशा चलता है, ये बुढ़ापे तक चलता है, हम हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इसी प्रकार से संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करें, संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता आ जाती है 18 साल पे, जो हम कहते हैं जो डेवलपमेंट है, जो 4 स्टेजेस हैं जो कि संज्ञानात्मक विकास की बताई हैं प्याजे ने, उसके हिसाब से अगर देखें तो परिपक्वता आ जाती है आपकी किशोरावस्था तक, जब कंप्लीट होती है इनके वयस्क अवस्था से पहले, 18 साल से पहले पहले 18 साल तक आपका सोच विचार जो है, कल्पना शक्ति जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो खत्म हो गया वहीं पे, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये अगर ये आप लेक्चर वीडियो भी देख रहे हैं तो ये भी एक तरह से आपके संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हो रही है। आप डेली कोई भी चीज सीखते हो, अगर आप एक पेंटिंग बनाना भी सीख रहे हो, अगर आज आपने कार चलाना सीखा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं वहां पे विकासात्मक वृद्धि होती रहती है आपकी, ठीक है। शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, शारीरिक वृद्धि लिमिटेड एज तक होती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि विकास जो है वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्रमबद्ध किसको कहते हैं, क्रमबद्ध इसलिए है ये क्योंकि ये एक
क्रम को फॉलो करता है। हालांकि आगे हम विकास के सिद्धांतों में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, एक क्रम होता है विकास का। यानी कि जैसे कि हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, शारीरिक डेवलपमेंट की, तो उसमें बच्चा पहले जब पैदा होता है तो उसका अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं होता। वो अगर आपने उसको कहीं पे भी छोड़ दिया तो वो अपना जो है अपनी गर्दन इधर से इधर भी नहीं हिला भी नहीं सकता, उठा भी नहीं सकता, कोई कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद में बच्चा जो है जब 3-4 महीने का होता है, 2-3 महीने का मानो 3 महीने के आसपास की जो एज होती, तब बच्चा अपनी गर्दन पे कंट्रोल, उसका थोड़ा सा नियंत्रण आता है, वो अपनी गर्दन को संभालना सीख जाता है और गर्दन को घुमा भी लेता है। वो वहां पे सोशल स्माइल भी उसकी 3 महीने भी आती है, सामाजिक विकास के अंतर्गत जो आती है, तो तब बच्चा जो है अपनी गर्दन को संभालना सीख रहा है। उसके बाद में जब बच्चा 5 महीने का होता है तो बच्चा बैठना सीखता है। 5-6 महीने में बच्चा बैठना, पहले सहारे से बैठता है, फिर वो खुद से बैठना सीख जाता है। फिर वो 8 महीने का या 7 महीने का होगा तो बैठने के बाद 7-8 महीने की एज में, यहाँ पे व्यक्ति की भिन्नता जरूर लागू होगी। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा इसी एज में, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 7 महीने में बैठना ही सीख रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 5 महीने में बैठना सीख जाते हैं। तो जब 7-8 महीने का होगा क्रॉलिंग करेगा, घुटनों के बल चलना जिसको कहते हैं। उसके बाद में बच्चा जब 10 महीने का होगा तो खड़े होना सीख जाएगा, सहारे से चलना सीख जाएगा कुछ पकड़ के। 12 महीने का होगा तो बच्चा चलना सीख जाएगा। अब यहाँ पे भी व्यक्तिक विभिन्नता होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल पे चलना नहीं सीखते, उनको चलना सीखने में 14 महीने, 16 महीने या 18 महीने, 1.5 साल भी लग जाता है चलना सीखने में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल से भी पहले चलना सीखते हैं। मेरा खुद का भतीजा 1 साल से पहले चलना सीख गया था, वो लगभग 11वें महीने में एंटर कर रहा था तब वो चलना सीख गया था। तो ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता जो है ये आनुवांशिकता से भी रिलेट करती है। कुछ पेरेंट्स के ही लक्षण ऐसे होते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है क्योंकि उनके माता पिता का डेवलपमेंट फास्ट रहा होगा, तो इस चीज पे भी डिपेंड करते हैं। तो क्रम का मतलब यही है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बच्चा जो है वो बैठना ना सीखे डायरेक्टली चलना सीख जाए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये एक क्रमबद्धता का जो है नियम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका लचीलापन। लचीलापन उसी को कह रहे हैं जो विकास जो है ऊपर नीचे होता है, कभी तेज होता है कभी कम हो जाए। शेष अवस्था में बहुत फास्ट चलता है, उसके बाद थोड़ा सा बाल्यावस्था में थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर किशोर अवस्था में तेज हो जाता है, तो उसको कहते हैं लचीलापन थोड़ा सा रहता है ऊपर नीचे, ये सब घटता बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि हर स्टेज में एक जैसा चलेगा। मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों तरीके से होता है। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये ऑलरेडी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विकास जो है, विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनो। वहां पे लिखा होता है कि विकास मात्रात्मक होता है, विकास केवल आनुवांशिकता से होता है, विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों तरीके से हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मात्रात्मक और गुणात्मक का मतलब क्या है ये समझते हैं। मात्रात्मक वो होता है जिसको नापा जा सके, जिसको नापा तोला जा सके, मतलब मेजरमेंट उसका किया जा सके। मेजरमेंट किस चीज का कर सकते हैं? आप लंबाई का कर सकते हैं कि बच्चे की लंबाई जो है अभी 3 फीट है, 6 महीने बाद 3.5 फीट उसकी लंबाई हो चुकी है, 1 साल बाद 4 फीट का बच्चा हो चुका है, तो ये क्या है उसको आप नाप सकते हैं। लेकिन कुछ विकास ऐसे होंगे जिनको आप नाप नहीं पाओगे, वो सिर्फ आप देख के व्यवहार में ही समझ पाओगे। जैसे कि सामाजिक विकास, इसको नापा नहीं जा सकता। सामाजिक विकास का कोई मेजरमेंट है कि अभी जो है 5 मीटर सामाजिक विकास हुआ है, अभी जो है इसका 10 मीटर सामाजिक विकास हुआ है, ऐसा कुछ होता है? उसको गुणों के आधार पर नापते हैं कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, तो गुणों के आधार पर मतलब गुणात्मक। इसी प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता है। अब संज्ञानात्मक विकास में आप ये मत कहना कि बुद्धि लब्धि को तो नापा जा सकता है। बुद्धि लब्धि सिर्फ एक पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास का, सर पूरा संज्ञानात्मक विकास बुद्धि नहीं होती। संज्ञानात्मक विकास के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कल्पना करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, सोच विचार करने की क्षमता, और आपका जो सृजनात्मकता है, आपका जितनी भी चीजें स्मृति मेमोरी आपकी है, वो सब आपका संज्ञानात्मक विकास के पार्ट्स हैं, भाग हैं, ठीक है। विकास जो है वो आपका बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब ये है कि विकास जो है वो कई सारे विकास एक साथ चलते हैं, मतलब एक दिशा में नहीं चलता विकास जो है, केवल एक ही चीज को लेके नहीं चलता, विकास के बहुत सारे आयाम हैं। जैसे कि आयाम का मतलब ये ही है, जो प्रकार होते हैं, शारीरिक विकास अलग चल रहा है, सामाजिक भी चल रहा है साथ साथ में, आपका साथ साथ में सम्यगात्मक विकास भी चल रहा है, आपका साथ साथ में भाषा विकास भी चल रहा है। इसका मतलब बहुआयामी है, बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे तरीके से। जैसे पेड़ होता है ना, एक छोटा पेड़ है, उसके जो शाखाएं निकलती है वो इधर भी इधर भी इधर भी, चारों पांचों तरफ को इधर उधर,
मतलब बहुत सारी ऐसे वाला जो विकास मतलब पेड़ जो बढ़ता है वो चारों तरफ को बढ़ता है, वो सीधा एक डंडी थोड़ा बढ़ती है कि एक ही लकड़ी है वो सीधी बढ़ी जा रही है बढ़ी जा रही है, उसकी शाखाएं भी तो बहुत सारी इस तरह से। तो इसीलिए विकास भी इसी प्रकार का होता है, तो विकास को बहुआयामी इसीलिए कहा गया है। और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है सीटेट में। वैयक्तिक विभिन्नता मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपको कि जिस तरह से अभी जो मैंने बताया है कि किसी बच्चे का विकास फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है, और किसी का जो है जैसे कि भाषा विकास होगा किसी बच्चे का 2 साल में हो रहा है, किसी बच्चे का 1.5 साल में हो रहा है। तो इस तरह से जो है डिफरेंट चीजें देखने को मिलती हैं। फिर कोई ऐसा विकास जो है, एक बच्चे का सामाजिक विकास फास्ट हो गया, एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास फास्ट हो रहा है, एक बच्चे का शारीरिक विकास फास्ट हो रहा है लेकिन संज्ञानात्मक विकास कम हो रहा है, तो ये डिफरेंस तो देखने को मिलते हैं बच्चों में। तो इसी को हम वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। देखो इसी में एक और पॉइंट है और वो ये है कि विकास के मुख्य आयाम कौन से होते हैं। विकास के जो मुख्य आयाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, चार ही होते हैं केवल। और चार कौन कौन से हैं, शारीरिक विकास जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, संवेगात्मक विकास जिसको इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं, सामाजिक विकास जिसको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन मुख्य नहीं होते। तो यहाँ पे जो वर्ड है कि मुख्य आयाम कौन से हैं, या फिर पूछ ले आपसे प्रमुख आयाम कौन से हैं, या फिर इसके जगह पर और क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन तो मुख्य को ही कहते हैं, प्रमुख हो सकता है आपका, या प्राथमिक हो सकता है, एक शब्द प्राथमिक हो सकता है कि विकास के प्राथमिक आयाम कौन से होते हैं। आयाम और प्रकार एक ही बात है, तो वो चार ही होते हैं, इन चारों के अलावा कोई पांचवा नहीं होता। और ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसमें बहुत बार आध्यात्मिक विकास जोड़ता है वो, जब प्रश्न बनेगा तो उसमें आपको जो है चार ऑप्शन देगा और चारों ऑप्शन में आपको ये चार लिखे होंगे, मतलब हर ऑप्शन में चार होंगे लेकिन अलग अलग तरह के होंगे। जैसे आध्यात्मिक जोड़ देगा, या फिर नैतिक विकास जोड़ देगा, 3 ऑप्शन ये दे देगा, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, और एक दे देगा नैतिक। तो वो ऑप्शन आपका कभी सही नहीं हो सकता जब तक आपके ये चारों ना आ जाए। बस इसमें एक फर्क होता है, वो ये होता है कि संज्ञानात्मक विकास की जगह पे लिख सकता है बौद्धिक विकास। ठीक है, ये लिख के आ सकता है बौद्धिक विकास, तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा ये अगर आपका लिख के आ रहा है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास को बौद्धिक विकास भी कहते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर इनको मैं इंट्रो दे देता हूं क्योंकि इनका अलग अलग चैप्टर आएगा आगे जिसको हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इंट्रो दे देता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इनके बीच बीच में मैं एग्जाम्पल्स देता रहूंगा तो तभी समझ में आएंगे। देखो तो शारीरिक विकास का मतलब, और इसके आगे जो मैं लिख रहा हूँ पॉइंट वो भी नोट कर लेना क्योंकि वो प्रश्न आ चुके हैं या आने वाले हैं, वो चीजें काम की हैं। तो शारीरिक विकास क्या होता है आपका, शरीर के अंगों में परिवर्तन। परिवर्तन कह लो या बढ़ोतरी कह लो या वृद्धि, तीनों वर्ड आप यूज कर सकते हो। संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या चीजें आती हैं, देखो इसमें आती है आपका कल्पना करना, चिंतन करना, और आपका हो जाएगा स्मृति, स्मृति यानी कि मेमोरी, और आपका हो जाएगा सृजनात्मकता, और आपका हो जाएगा इसमें समस्या समाधान, निरीक्षण, निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, और निर्णय लेना आदि। ये किसके हैं, ये सिर्फ आपके जो है ये विशेषताएं हैं जो चीजें इसके अंदर आती हैं आपके संज्ञानात्मक विकास के अंदर। बुद्धि भी आती है, मैंने सारी चीजें तो यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, इतनी सारी चीजें होती है, लेकिन इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। कल्पना करना, चिंतन करना, या हमारी जो मेमोरी है वो कितनी पावरफुल है, कितनी चीजों को हम याद रख पाते हैं, सृजनात्मकता, नए नए विचारों का उत्पन्न होना दिमाग में, क्रिएटिविटी आना, ये कोई भी समस्या का समाधान, समस्या मतलब एक चाहे प्रश्न ही क्यों ना हो, 2 + 2 = कितने होते हैं, ये भी एक समस्या है बच्चे के पर्सपेक्टिव से, तो वो भी आपका संज्ञानात्मक विकास के अंदर ही आएगा। ठीक है, संवेगात्मक विकास में क्या आएगा, संवेग का एक
डेफिनेशन है, या एक यहां पे मैं लिख देता हूं, संवेग क्या है आपका, संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। कई बार डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लेता है कि संवेग का क्या अर्थ है, और नीचे जो है चार ऑप्शन आपको दे देगा, उनमें से एक ऑप्शन ये होगा आपका व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं आपकी, इसके अंदर जैसे कि जितने भी हमारी इमोशंस होते हैं, जैसे डर हो गया, या आपका क्रोध हो गया, गुस्सा, या आपकी खुशी, या आपका प्रेम, या आपकी घृणा, आप किसी से नफरत करते हैं, ये सारे क्या हैं, ये संवेग है। लिख देता हूं, आप नोट कर लेंगे, अगर तो स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं, प्रेम, घृणा, और आपका रोना हो गया, रोने को दुख भी कह सकते हैं, एक ही बात है, या आपका हंसना हो गया, या आपका खुशी, ठीक है, और आपका डर हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारे इमोशंस हैं। अब सामाजिक विकास क्या है, मतलब सामाजिक विकास का मतलब सीधा ये है कि समाज में एक सामाजिक प्राणी के रूप में रहना सीख जाना, यानी कि आप समाज में रह करके समाज के जो नियम होते हैं, जो वहां पर जो हमारे जो कुछ एथिक्स होते हैं, जो चीजें ऐसी होती हैं कुछ कि आप सामाजिकता से परे होती हैं कुछ चीजें, जिसको हम कहते हैं क्राइम, या हम कहते हैं कि ये काम गलत है सामाजिक रूप से, उनको छोड़ करके एक अच्छे सामाजिक प्राणी के रूप में अपनी जिंदगी को व्यतीत करना, यही सामाजिक विकास है। मतलब समाज में रहकर सामाजिक प्राणी के रूप में जीना सीख लेना, वही सामाजिक विकास है। और सामाजिक विकास किसके द्वारा होता है, होता भी समाज के द्वारा है, यानी कि समाज में जो लोग हैं, चाहे आपके माता पिता हैं, चाहे आपके विद्यालय के शिक्षक हैं, विद्यालय खुद है आपका, या आपके आस पड़ोस के लोग हैं, या मीडिया है, ये सारी चीजों के द्वारा सामाजिक विकास आपका होता है। ठीक है, तो ये तो इंट्रो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं पहले कि इसमें से प्रश्न कैसे बनते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एक प्रश्न आपको दिखाता हूं। वैसे तो हम यहां पर बहुत सारे प्रश्न जो है सॉल्व करने वाले हैं, यहां पर जो है हम प्रीवियस क्वेश्चन जो है ये 2022 वाले हैं, जो अभी आपका पेपर हुआ है उसमें जो प्रश्न आए थे। तो पहला प्रश्न हमारा सामने जो यहां पे देख सकते हैं आप, पहले ये देख लेते हैं, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, अब यहां पे आप आराम से पहचान सकते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। हालांकि अभी तो हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, विकास अभी पूरा नहीं पढ़ा हमने, विकास को तो अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी तो सिर्फ इंट्रो पढ़ा है, लेकिन उस इंट्रो में से भी आपके प्रश्न आएंगे और आप उसको सॉल्व करेंगे। यहां पे आपका पहला जो आपको दिख रहा है ऑप्शन, यहां पर विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, क्या ये बात सही है या गलत है, बताओ कमेंट करके, ये बात सही है या गलत है आपकी, एक आयामी होता है या फिर बहुआयामी होता है, एक आयामी होता है या बहुआयामी होता है, आप खुद बताओ। तो अभी हमने पढ़ा है ना, लास्ट में भी दिखाऊंगा मैं आपको ओपन करके, बहुआयामी होता है। नीचे के जो है जितने विकास, ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, तो ये होता है आपका शीर्षगामी, और ये होता है आपका केंद्र से बाहर की ओर जो होता है वो होता है अधोगामी। तो ये भी पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, ये अभी हम आगे की स्लाइड्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो सारे पढ़ेंगे। तो इनमें से चारों में से एक भी चीज आपकी ऐसी नहीं हो सकती जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने आपको भी बताया था, देखो विकास जो है वो समाज सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यानी कि समाज के अंदर ही होता है। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर वही आपका सही ऑप्शन है एक्चुअल में, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न दिखाया है कि यहाँ पे आप किस तरह से पहचान पाएंगे। तो इसमें सीधा लिखा है विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, जबकि हमने यहीं पे अभी अभी पढ़ा है, यहाँ पर क्या पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा है ना, देखो बहुआयामी होता है, पढ़ा है बहुआयामी होता है, तो वो ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो इस तरह से जो है आप इस चीज को पहचान पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। चलिए अब अगली स्लाइड में पढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है जितने भी हैं बहुत सारे हैं, वो 25-30 प्रश्न हैं, और उसको जो है हम एंड में लास्ट में जब पूरी ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद में सॉल्व करेंगे, फिर आपको जो है वो सारे के सारे सॉल्व आप खुद से कर दोगे, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि यहीं पे आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तब तक। तो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उससे भी बहुत प्रश्न बनते हैं, बहुत क्या बनते ही बनते हैं, विकास की अवस्थाओं के बारे में तो बहुत ही प्रश्न बनते हैं, अभी आप समझ जाओगे किस तरह से बनेंगे।
चार अवस्थाएं हैं, मेन मेन पढ़ेंगे, क्योंकि एक तो होती है आपके गर्भावस्था जहां से विकास शुरू हो रहा है सबसे पहले, लेकिन मैं आपको बता दूं जो गर्भावस्था है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। क्या समझ लेना ध्यान से, एक बार प्रश्न में ये भी आया था 2018 वाले में, शायद सीटेट में ये भी पूछा था कि आपका जो है जो बाल विकास के अंदर या बाल मनोविज्ञान के अंदर कौन सी स्टेज से कौन सी स्टेज तक अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान के बाल विकास के अंदर जो है शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, गर्भावस्था का अध्ययन नहीं होता। किसके अंदर? चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि जो बाल विकास है या बाल मनोविज्ञान है जो हमारा, हम उसको शिक्षा से रिलेट कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। अब जब शिक्षा मनोविज्ञान है तो शिक्षा जो हम देंगे बच्चे को वो पैदा होने के बाद ही तो देंगे, उससे पहले तो हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं एज अ टीचर। अगर हम आध्यात्मिक रूप पे जाएंगे तो वो बात अलग हो जाएगी, कहेंगे कि गर्भ में भी बच्चा बातें सुनता है ये वो, हालांकि वो मेडिकल कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, तो उसको हम यहाँ पे इतना हमें अपने दिमाग पे जोर नहीं देना, हम वो चीज पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो दूसरी अवस्था जो हुई वो आपकी जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, जिसको बोलते हैं आप शेष अवस्था। बाल्यावस्था जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो 2 साल से 6 साल तक की उम्र की होती है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल तक की होती है, किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष तक की होती है, ठीक है। अब इनकी विशेषताएं जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न जो बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। तो शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये समझते हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या है, इसमें विकास सबसे तीव्र गति से होता है। एक लाइन एक प्रश्न आपका कंप्लीट। बहुत बार आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से शैशवावस्था की विशेषताएं चुनो, और वहां पे 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से एक ऑप्शन ये होगा कि विकास सबसे तीव्र गति से होता है। यह प्रश्न ऐसे बनेगा कि सबसे तीव्र गति से विकास कौन सी अवस्था में होता है, नीचे लिखा होगा गर्भावस्था, शैशवावस्था, वयस्कावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो 4 ऑप्शन होंगे और चारों में से आपको चुनना होगा कि सबसे तेज विकास जो है वो आपका किस में होता है, शैशवावस्था में होता है, याद रखना। कई बार हम ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि जो तेज विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है, जबकि सबसे तेज विकास जो होता है वो आपका शैशवावस्था में होता है। दूसरा पॉइंट, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था होती है। प्रतिवर्त मतलब जो एक तो होती है प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, और प्रतिवर्त क्रियाओं का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि हमारी पलके झपकना, हमारी जो पलके झपकने वाली जो क्रिया है वो प्रतिवर्त क्रिया है और उसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने पलकों को झपकने से रोक दें, हम जो है ज्यादा ज्यादा अगर जानबूझ के कोशिश करेंगे रोकने की तो कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए। ऐसा तो है नहीं हम 1 घंटे तक पलके ही ना झपकाएं, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये एक नेचुरल क्रिया है, नेचुरल चीज है, इसको ये अपने आप होती ही रहेगी। तो ऐसी जो क्रियाएं जैसे कि मुंह में लार आना, तो ये भी एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसको भी हम नहीं रोक सकते। जैसे ही हमारे सामने कोई चीज आती है ऐसी जो हमारे खाने की फेवरेट हो या कुछ जिसको जो हमें पसंद हो, जैसे कि नींबू की बात करूं तो हमारे मुंह में एकदम से पानी आ जाता है, इसी तरह की आपकी कोई फेवरेट खाने की चीज है उसका जिक्र भी हो जाए या उसका फोटो भी आपको दिख जाए तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, ये एक तरह की क्या है, प्रतिवर्त क्रिया है। तो ऐसी क्रियाएं जो है शैशवावस्था में बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसको प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था कहा जाता है। उसमें क्या है, बच्चा कोई भी खाने की चीज भी देखेगा, मतलब बिना खाने की, जैसे कि ये मार्कर भी है तो इसको उठा के भी वो मुंह में ही देगा क्योंकि उसको खाने को चाहिए हर चीज उस टाइम पे उस स्टेज में, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका यह है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना होता है। इसमें सारा जितना भी लर्निंग होती है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होती है। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है हमारी, हमारा जो है टच करना और हमारा जो है देखना और हमारा सुनना और हमारा बोलना तो उस स्टेज में नहीं होता, उसको टेस्ट कहेंगे, जीभ को टेस्ट कर सकते हैं आप। तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होती है, यानी कि बच्चा जो है जितने भी चीजें कर रहा है इसको एक और कह सकते हैं कि बच्चा करके ही सीखता है, वो किसी दूसरे की सुनता नहीं है, वो किसी के कहने से कोई भी क्रिया नहीं करेगा कि उसके माँ बाप ने कह दिया उसको कि ये काम करना है और ये नहीं करना, तो वो उस चीज को नहीं मानेगा, क्योंकि पहली चीज तो यह है कि उतना संज्ञानात्मक विकास हुआ नहीं है कि वो किसी दूसरे की या बड़े की बात को समझ पाए या मान पाए। तो यहाँ पे जितनी भी लर्निंग होगी वो सारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होगी, यानी कि वो छू करके देखेगा किसी भी चीज को तब उसको पता चलेगा, जैसे कि उसका हाथ किसी गर्म चीज पे लगेगा फिर दोबारा उसको नहीं छुएगा, तो ये एक तरह से उसका जो है ज्ञान इंद्रिय ही हुई, या आवाज सुन करके या इस तरह की चीजें।
माता पिता तथा परिवार पर पूर्णतः निर्भर रहता है, क्योंकि इस स्टेज में वो अपनी तरफ से क्या ही करेगा, है ना। खाना भी खाना है उसको तो माता पिता ही खिलाएंगे, या उसको जो भी कार्य करना है पूर्णतः निर्भर रहेगा। इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो वो दोस्त बना सकता है, ना घर से बाहर जा सकता है, ना कुछ अपने आप से कोई सामान ले सकता है, कपड़े अपने आप से नहीं पहन सकता, ये सब चीजें तो पूर्णतः निर्भर रहेगा ही, सिंपल सी बात है ना। आगे बात करें सामाजिकता की, बात करें तो अपनों तथा परायों में फर्क जाने लगता है और प्रतिक्रिया भी दिखाता है। कैसे? अपने और परायों में फर्क जाने लगता है, यानी कि उसके जो माता पिता हैं या उसके परिवार के लोग हैं उनको देखकर वो हंसेगा या खुश होगा। जैसे कि आपने देखा भी होगा नॉर्मल आसपास के जो बच्चे होंगे आपके, और जैसे ही वो किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो या तो वो डर जाते हैं या फिर रोने लगते हैं, दोनों में से कोई भी प्रतिक्रिया वो दिखाएंगे। ये सिर्फ आदमियों में या व्यक्तियों में ही नहीं, बल्कि उनकी जो चीजें होती हैं, उनके खिलौने, उनके कपड़े, उनके सोने की जगह, बिस्तर भी, तो वो सब चीजें उनके वो जो है पहचानने लगते हैं कि ये मेरी जगह है या मेरा खिलौना है या मेरे कपड़े हैं। आप उनके कपड़े किसी दूसरे बच्चे को दोगे तो वो गुस्सा हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं या उसको छीनने लग जाते हैं, तो इतनी पहचान उनमें आ जाती है। संवेग में भी ये चीजें आ जाती हैं, डर भी होता है, गुस्सा भी आता है, नाराजगी भी होती है छोटे बच्चों में, आपने देखा भी होगा ऐसा, खुशी भी होती है, तो ऐसे गुण उनमें आ जाते हैं संवेगात्मक। भाषा की बात करें तो भाषा में बबलाना और वाक्यांश बोलना, यहाँ तक का डेवलपमेंट उनमें हो जाता है। वाक्यांश मतलब दो तीन या चार शब्दों वाले वाक्य वो आराम से बोल लेते हैं, ठीक है। ये जो बबलाना है ये स्टार्ट होता है 4-5 महीने की स्टेज से, यानी कि बच्चा जब 4 महीने का होगा तब से वो बबलाना स्टार्ट करता है। बबलाने में दो, एक तो स्वर और एक व्यंजन मिलके शब्द बनता है, उसी को बबलाना कहते हैं। जैसे कि आपका ये वाले जो होते हैं बाबा, और ये फिर हो जाता है मा मा मा, इस तरह की आवाज जो बच्चा निकालते हैं, तो इसमें क्या है, जो मा है ये तो व्यंजन है और जो आ की मात्रा है वो आपका स्वर है, तो स्वर और व्यंजन को मिला करके एक ध्वनि उत्पन्न करना, इसी को बबलाना कहते हैं। और उसको वो दोहराता है बार बार, मा 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 मा, इस तरह से, या बा 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 बा। और इन वाक्यांश का कोई अर्थ नहीं होता, वाक्यांश भी गलत बोल रहा हूं मैं, इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता, ये नेचुरली बच्चा खुद से इसमें उसको मजा आ रहा होता है, क्योंकि वो जब नया नया उसके जो वोकल फोल्ड्स हैं, ये जो उसके वाक तंत्र हैं उनका जब डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, तो उसको बोलने में या आवाजें निकालने में मजा आता है, इंजॉय करता है वो इस चीज को, उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसको खुद भी नहीं पता कि इसका कुछ अर्थ है, ठीक है। और ये चलता है लगभग आपका 10 महीने की स्टेज तक, या 10 या 12 महीने की स्टेज तक आपका ये बबलाना चलता है, ठीक है। उसके बाद में ये खत्म हो जाता है, उसके बाद में बच्चा जो है शब्द बोलने लगता है, एक एक नॉर्मल से शब्द बोलने लगता है, सर पापा बोल देता है, दादा भी बोल देता है, और जैसे उसकी खाने पीने की चीज होती है दूध बोल देता है वो, या पानी, तो इस तरह की जो जो उससे रिलेटेबल चीजें होती हैं वो शब्द बोलने लगता है। जैसे बच्चा 12-13 महीने का हो जाता है आराम से, तो उसके बाद वो वाक्यांश, यहाँ पे भी इंडिविजुअल डिफरेंस रहेगा, व्यक्तिगत विभिन्नता रहेगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वाक्यांश बोलना 12 महीने में स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो 15, 16, 17 महीने की स्टेज में जाके वाक्यांश बोलना स्टार्ट करेंगे। तो 2 साल की स्टेज से पहले पहले, यानी कि शेषावस्था में ही ये चीज आ जाती है कि बच्चा जो है नॉर्मली अपने परिवार वाले से बात करने लग जाएगा, यानी कि अपने जरूरत का सामान मांग सकता है। जैसे कि इतना वो बोल सकता है कि मुझे दूध दो, या मुझे खाना दो, या मुझे पानी दो, पापा मत जाओ, या इस तरह की जो 3 वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं नॉर्मली जो उसकी जिंदगी से रिलेट कर रहे हैं वो बोल देता है, क्योंकि उसके बाद अभी वो संदर्भ से रिलेटेड बात नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि किसी कॉन्सेप्ट पे आप बात कर रहे हो, या किसी शेर के बारे में या चूहे के बारे में या कोई कहानी आप डिस्कस कर रहे हो वो कर लेगा, वो नहीं कर पाएगा। वो डेवलपमेंट होता है 2 साल से लेके 6 साल तक के बीच में, जो आपकी अब आएगी अगली अवस्था, ठीक है, जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था है 2 साल से 6 साल वाली। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम अगले स्टेज पर बढ़ते हैं। ध्यान रखना आपकी एक एक लाइन काम की है, एक एक लाइन से प्रश्न बन सकता है आपका, ठीक है, तो कोई भी लाइन जो है मिस नहीं करनी, बहुत सोच समझ के और ढूंढ ढूंढ के एक एक लाइन लिखी है इसमें, तो बहुत ही काम की लाइन्स है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें तो ये एज होती है आपकी 2 से 6 वर्ष तक की, ठीक है, और इसको हम पहले स्टेज में क्या कहेंगे कि प्री स्कूल स्टेज कहते हैं, इसका नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्री स्कूल स्टेज हम कह सकते हैं। हिंदी की बात करें तो प्राक स्कूल स्टेज या अवस्था, ठीक है। उसके बाद हम इसको खिलौने की अवस्था भी कहते हैं, खिलौने की अवस्था इसलिए कहते हैं कि
क्योंकि बच्चा इस स्टेज में खेलना बहुत पसंद करता है, वो भी खिलौनों से। एक एक जो होता है अपने दोस्तों के साथ में खेलना जो आउटडोर गेम होते हैं, एक होता है खिलौनों के साथ में खेलना। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें खिलौनों के साथ बच्चा ज्यादा खेलता है, और जो उत्तर बाल्यावस्था है जो 6 से 12 है उसमें बच्चा इस मित्रता, यहाँ पे लिखा है अभी पढ़ेंगे उसको, जो आपकी उत्तर बाल्यावस्था है उसमें अपने साथियों के साथ दोस्तों के साथ ज्यादा खेलता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में अगर आपसे पूछे खिलौने की स्टेज कौन सी होती है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, ठीक है। हालांकि जो शेषावस्था है उसमें भी खिलौने की स्टेज होती है वो भी, लेकिन उसको खिलौने की स्टेज इसलिए नहीं कहते क्योंकि उस पर पूर्ण तरह से जो है बच्चा खिलौनों को पहचानता भी नहीं है। जो वस्तु स्थायित्व का गुण है वो भी लास्ट में आ रहा है, जैसे कि 18 महीने पे आ रहा है, तो तब तक तो 2 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं। मेन जो खिलौने की पहचान होती है, खिलौने से खेलना बच्चा स्टार्ट करता है, वो इसी स्टेज में करता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। उसके द्वारा, इसको कहते हैं हम कि शिक्षा को द्वारा तैयारी का समय होता है, इसीलिए इसको प्री स्कूल स्टेज कहा जा रहा है, क्योंकि स्कूलिंग का पहला चरण है। यानी कि यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर जो है ये तैयारी का समय है, यानी कि बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा उसके अंदर वो चीज उत्पन्न करनी है। तो प्री स्कूल में यही चीजें सिखाई जाती हैं। प्री स्कूल आजकल बने हुए भी हैं, जो पहले उसको हम नॉर्मली आंगनवाड़ी कह सकते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें भी ये फॉर्म आती है प्री स्कूलिंग, उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये प्री स्कूलिंग जो होती है, हमने तो 2 से 6 साल लिखी है, उनकी जो स्टेज उनकी जो आती है वो आती है 3 से 6 साल, ठीक है। उनकी उम्र जो स्कूल की उम्र होती है वो 3 से 6 साल होती है। उसके अलावा भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था होती है, लिख लो, नोट कर लो, ये प्रश्न तो आपका आना ही आना है कि ये प्रश्न ऐसे बनता है, भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? शेष अवस्था होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, या फिर बाल्यावस्था, या फिर किशोर अवस्था, कौन सी होती है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था आपकी जो है सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। संवेदनशील क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे ज्यादा भाषा विकास इसी उम्र में होता है। पूरा डेवलपमेंट, लगभग पूरे भाषा विकास का 80% विकास इसी स्टेज में बच्चा कर लेता है। यानी कि पूरा का पूरा जो है यहाँ पे बच्चा बातचीत करना समझ जाता है बिल्कुल, यानी कि वो समझेगा भी दूसरे की बात को और अपनी बात को कह भी सकेगा। अब यहाँ पे जो है एक प्रश्न और बना था नए टाइप का, वो बता दूं। वहां पे ऐसा बोला गया था कि संवेदनशील अवस्था का अर्थ क्या होता है। तो वहां पे सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहें तो डेवलपमेंट की या बच्चे के विकास की सबसे उत्तम या सबसे सर्वश्रेष्ठ, जो ऊंचे को क्या कह सकते हैं, उत्कृष्ट कह सकते हैं, या सबसे उच्च स्तर की कह सकते हैं, तो सबसे बेहतर जो विकास होता है, विकास का जो सबसे बेहतर चरण होता है, उसको हम संवेदनशील अवस्था कह सकते हैं। तो सबसे संवेदनशील अवस्था आपकी ये होगी प्रारंभिक बाल्यावस्था। उसके बाद आप अगला पॉइंट है इसकी अगली विशेषता, उत्सुकता, यानी कि किसी भी चीज को जानने के लिए एकदम से उत्सुक हो जाना, ठीक है। जिज्ञासा होती है, प्रश्न करना सबसे ज्यादा होता है। आपने खुद भी देखा होगा जो आपके घर में बच्चे अगर होंगे या पास पड़ोस में होते हैं, तो जो इस स्टेज के बच्चे होते हैं, 2 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो सवाल बहुत करते हैं। आप उन्हें जवाब दे दोगे एक बार, वो फिर दूसरा सवाल ले आएंगे, फिर तीसरा। कई बार माँ बाप परेशान भी हो जाते हैं उनके सवालों के जवाब देते देते कि कितने सवाल करता है बच्चा, क्यों करता है? क्योंकि उसने जो है उसमें जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। जिसमें दो दो फैक्टर काम करते हैं। एक फैक्टर तो यह है कि वो दुनिया में भाई अभी नया नया आया है, तो उसके लिए ये जितने भी चीजें हैं वो सारा एडवेंचर है, उसको मजा आ रहा है, उसको जानना है नई नई चीजों को। तो जो इससे पहले की स्टेज हुई उसमें तो उसको खुद ही नहीं पता कुछ भी, अता पता है ही नहीं, तो वो क्या ही पूछेगा आपसे और क्या ही जानेगा। तो वहां पर तो वो अपने आप को ही जान रहा है, सिर्फ अपनी इंद्रियों के बारे में ही जान रहा है शेष अवस्था में, और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो भाषा विकास हो रहा है, तो उसको शब्द मिल रहे हैं सवाल करने के लिए, बातचीत करने के लिए। दूसरा, वो दुनिया में इतनी सारी नई नई चीजें देख रहा है, तो उसके बारे में जिज्ञासा तो होगी कि भाई ये क्या है, वो क्या है। आप खुद भी अगर किसी ऐसी जगह पे जाओगे ना जो बिल्कुल नहीं हो, तो आप खुद भी सवाल करोगे वहां पे जाके। तो इसलिए जिज्ञासा इस स्टेज में ज्यादा होती है, प्रश्न बच्चा ज्यादा करता है। अनुकरण करने की और नकल करने की प्रवृत्ति होती है। जो लड़के होते हैं वो अपने पापा की, और जो लड़कियां होती हैं वो अपनी मम्मी की नकल करती हैं सबसे ज्यादा। और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां जो है वो अपने पापा की नकल भी करती हैं, जैसे कि मतलब ऐसे कपड़े पहनना, अगर उनके भाई होते हैं जैसे, और भाइयों के कपड़े होते हैं, तो वो उन कपड़ों को पहनना पसंद करती हैं कि मुझे भी ऐसे वाले कपड़े पहनने हैं जैसे पैंट शर्ट पापा पहनते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, शूज पहनना, या अगर उनके पापा जो है कुछ ऑफिस का काम करते हैं बैठ के, तो बच्चे भी
उनके पास में बैठ के उसी तरह से कुछ करने लगते हैं। हालांकि उनको लिखना भले ही ना आता हो, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो उस तरह की नकल करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो नकल कर करके सीखते हैं। उनके कुछ शब्द भी होते हैं ऐसे जो वो अनकॉन्शियसली उनके माइंड में चले गए होते हैं, उनको वो दोहराते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है कि वो बच्चे जो है ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम उनसे कभी एक्सपेक्ट करते ही नहीं है, हमने सोचा नहीं होता, अचानक से ऐसा लगता है इसने ये बात कहाँ से सुन ली होगी, मतलब कहाँ बोली। तो उसने आप लोगों को ही बातचीत करते हुए कभी ना कभी वो शब्द सुने होंगे, तभी वो दोबारा उसके सामने आए हैं। ठीक है, और अगली जो स्टेज है आपकी वो है आपकी उत्तर बाल्यावस्था, जो की होगी आपकी 6 से 12 वर्ष तक की इसकी एज होती है। इसको एक नाम और दिया जाता है, उसको कहते हैं मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, कभी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये उत्तर बाल्यावस्था है तो मध्य बाल्यावस्था जो है, हम कभी कभी ये सोच लेते हैं कि इससे पहले वाली जो होगी वो आपकी मध्य बाल्यावस्था होगी, इसके बीच में भी इसको बांटा गया है कि ये 6 और 12 के बीच में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मध्य बाल्यावस्था होती है उसी को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, और जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसको प्राक बाल्यावस्था भी कहते हैं। प्राक का मतलब भी पूर्व होता है, और पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, प्रारंभिक को पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ये स्टेज हुई आपकी 6 से 12 वर्ष तक की। इसको जो है, इसकी पहली विशेषता यह है कि इसको उत्पादी या उद्यमी अवस्था कहा जाता है, ट्रबलसम स्टेज या ट्रबलसम एज इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? और ये जो बोला जाता है ये वर्ड माता पिता के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिकों ने खुद नहीं बनाया, माता पिता से जो इंटरव्यूज किए होंगे या जो भी उनकी स्टडीज होती है उससे पता लगाया होगा कि माता पिता द्वारा इस एज को उत्पादी या उद्यमी अवस्था कहा जाता है। और वो इसलिए क्योंकि इस स्टेज में बच्चा माता पिता की बातें कम सुनता है, अपने साथियों की अपने दोस्तों की बातें ज्यादा सुनता है। जितने भी काम उसके होंगे, खेलना होगा, बाहर घूमना फिरना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है। इस स्टेज में क्या है, बच्चा घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है और स्कूल जाना भी स्टार्ट कर देता है, तो स्कूल में भी उसके मित्र बन जाते हैं। ठीक है, इसको प्रारंभिक स्कूल अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, जो प्राइमरी स्कूल है आपका वो स्टार्ट हो जाता है। इसको सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको गिरोह अवस्था कहा जाता है, जो कि आपका टीचिंग के मैक्सिमम एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। यूपी टेट में पूछा गया, सी टेट में पूछा गया, और भी कई सारे टेट में, कि गिरोह अवस्था कौन सी स्टेज को या विकास के कौन से चरण को कहते हैं। तो जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, जो 6 से 12 वर्ष तक की होती है, उसको हम कहते हैं गिरोह अवस्था। गिरोह अवस्था क्यों कहते हैं, गैंग एज क्यों कहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है टोली बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं दोस्त मिल करके, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाने लगा है तो स्कूल में भी दोस्त बनते हैं। जो उसकी कॉलोनी होती है या गांव है या मोहल्ला है, वहां पे आसपास के जितने भी पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं वो सब दोस्त बन जाते हैं। आपने खुद भी देखा होगा, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपसे सबसे बड़ी एडवाइस तो मैं यही दूंगा कि आप बच्चों पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया करो। आपके आसपास बच्चे तो होते ही हैं, सबके आसपास, कभी अगर आपके घर में नहीं है तो पड़ोस में होंगे, पड़ोस में नहीं तो रिश्तेदारी में होंगे, बच्चे तो सब जगह होते हैं। तो उन पे बहुत ऑब्जर्वेशन रखा करो कि ये कितने साल का है और इसकी हरकतें जो है, ये जो ये काम करता है, किस किस प्रकार की चीजें करता है, ये किस स्टेज का है, तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि एक्चुअल में साइकोलॉजी जो है वो केवल लिखित रूप में पढ़ने का नाम नहीं है, उसको अध्ययन ही करना पड़ता है, उसको व्यवहारिक एक विषय है ये। तो आप जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, जब तक आसपास की चीजों को देखेंगे नहीं दुनिया में, तब तक ये चीज किसी काम की नहीं है। पढ़ के केवल रटने वाली चीज है नहीं, ये समझने वाली है। ठीक है, आगे बढ़े तो पढ़ने में रुचि बढ़ जाती है, बच्चा स्कूल जाने लगा है तो नई नई चीजें हैं, किताबें हैं, एनवायरमेंट है। डिपेंड करता है कि स्कूल में किस प्रकार का एनवायरमेंट और किस प्रकार के टीचर उसको मिल रहे हैं, लेकिन अगर अच्छी सब चीजें होंगी तो बच्चा पढ़ने में रुचि लेता है इस स्टेज में। उसके अलावा लड़ाई झगड़ा भी बढ़ेगा भाई, जब गिरोह अवस्था होगी है तो यहाँ पे जो दोस्त होते हैं उसके, उन्हीं से लड़ाई करता है, ये भी सबसे बड़ी बात है। दोस्तों से ही लड़ाई करेगा, दोस्तों से ही फिर से मिलेगा, फिर से बात करेगा, फिर से उन्हीं के साथ खेलने लग जाएगा। उसके अलावा मित्रता ज्यादा हो जाती है इस स्टेज में, और घर से बाहर घूमना बच्चे का स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज में। ठीक है, ये एक एक पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट अब जो आगे की जो हिंदी पैदा हो चुकी होगी, चाहे आपकी ईवीएस पैदा हो चुकी होगी या आपके जो बाकी के जो पेडागोजिकल प्रश्न सीडीपी में पूछे जाते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, वो सारे इस स्टेज में जितनी बातें हैं उस पर डिपेंड होते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात करूं तो एक मातृभाषा जो हम अधिगम और अर्जन पढ़ते हैं ना, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, वहां पे ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट यही होता है कि बच्चा जो है अर्जन जो है वो स्कूल जाने से पहले कर रहा है और अधिगम जो है बाद में कर रहा है। तो खैर, स्कूल जाने से मतलब घर से बाहर निकलेगा तभी स्कूल जाएगा, जब नहीं जा रहा है तो पहले, इसका मतलब मातृभाषा में या भाषा अर्जन में किसका रोल ज्यादा हुआ,
पास पड़ोस का रोल ज्यादा हुआ या माता पिता का हुआ, स्कूल का नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल बच्चा गया ही नहीं है अभी तक, इससे पहले गया ही नहीं है स्कूल। तो आपका बच्चा जो है 6 साल के बाद जा रहा है, तो 6 साल के बाद ही उसका जो है अधिगम स्टार्ट होता है, भाषा अधिगम। खैर वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो हम भटकना नहीं चाहते, अपने पॉइंट पे रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसको तभी पढ़ेंगे जब हिंदी पेडागोजी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो स्टेज है आपकी, वो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी होती है और सबसे ज्यादा खतरनाक भी होती है, दोनों कह सकते हैं इसको, तो ये है आपकी किशोर अवस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक की होती है। सबसे पहला ही पॉइंट जो लिखा है मैंने, वो ये लिखा है कि जटिल अवस्था होती है, तनाव की अवस्था होती है। तनाव मतलब टेंशन, तनाव का मतलब होता है कि सॉल्यूशन ना मिलना किसी चीज का, और जब हमें किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम उसका सॉल्यूशन खोजते रहते हैं और परेशान रहते हैं थोड़े से, और बहुत टेंशन में रहते हैं, थोड़े से तनाव में रहते हैं। तो ये इसी प्रकार की एक अवस्था है कि इस अवस्था को समझ में ही नहीं आता बच्चे को कि मैं हूं किस अवस्था में। एक्चुअल में यही होता है, जटिल भी इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस स्टेज में ना तो वो बच्चा रहा है और ना ही वो बड़ा हुआ है, वयस्क भी अभी नहीं हो पाया है और बच्चा वो रहा नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में और उसकी जो संज्ञानात्मक विकास है, जो उसका कल्पना करने की शक्ति है, वो बड़ी हो चुकी है, तो बच्चा भी नहीं रहा अपनी सोच के हिसाब से, तो इसलिए इसको जटिल अवस्था कहा गया है। इसमें बहुत सारी नई नई चेंजिंग देखने को मिलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, शारीरिक संरचना में परिवर्तन आता है आपका, तो जैसे कि अभी जैसे बच्चा कितनी स्टेज में होगा, 15, मानो अगर लड़के की बात कर रहा हूं तो 15 के बाद में जो है लगभग जो है मूछ दाढ़ी का निकलना जो है शुरू हो जाता है, मतलब तो इस प्रकार की जो है नई नई चीजें होती है, और जो मसल्स हैं वो भी ग्रोथ होती है, तो शरीर का जो ढांचा है वो भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदलता है। पहले बच्चा स्किनी रहता है या बहुत कोमल रहता है थोड़ा मांसपेशियां, फिर उसके बाद में जो है उसकी मसल थोड़ी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है, कंधे चौड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से लड़कियों में भी जो है बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है जब वयस्क अवस्था की तरफ लड़कियां बढ़ती हैं, तो इस स्टेज में जो है बच्चे लड़की का जो है ये स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जो मासिक चक्र होता है वो स्टार्ट हो जाता है, लगभग 13 से 15 साल की एज के बीच में जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो प्रजनन अंगों का विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चे के लिए नहीं है, लड़की हो या लड़का हो, थोड़े ये सब चीजें नहीं है, पहली बार आ रही है, तो तनाव तो होगा, क्योंकि अगर हमारे साथ में कुछ भी नया होता है तो हम उसके एकदम क्यूरियस हो जाते हैं कि यार ये हमारे साथ में क्या हो गया। कई बार ऐसी चीजें देखी भी गई है कि ऐसी नई स्थितियों में बच्चे डर भी जाते हैं, तो ऐसी स्थितियों में सबसे मेन यही होता है कि माँ बाप उनका ध्यान रखें, मतलब माँ बाप उनकी खबर रखें, ऐसा ना हो कि माँ बाप को पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा किस स्टेज में चल रहा है और उसको कितनी केयर की जरूरत है किस समय पे। तो ये सब चीजें थोड़ा सा बदलाव होता है, और साथ में जो इसके साथ में जो पॉइंट जुड़ता है वो जुड़ जाता है करियर, मतलब हमारा भविष्य अब क्या होगा, ये सोच इस स्टेज में आ जाती है। आगे मैंने लिखा है, हाँ ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस अवस्था का, स्वायत्तता का भाव, और प्रश्न भी सबसे ज्यादा इसी से बनता है कि स्वायत्तता का भाव कौन सी अवस्था में आता है, किशोर अवस्था में आता है। लेकिन स्वायत्तता का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? स्वायत्तता का मतलब होता है खुद को पहचानने की कोशिश करना, यानी कि ये सवाल कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, या मेरी क्या पहचान है। अभी तक तो बच्चा अपने माँ बाप की पहचान से ही जी रहा होता है, यहां तक उसको कुछ नहीं पता, यहां तक उसको ये पता है कि मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मैं उनका बेटा हूं या बेटी हूं, बात खत्म, दैट्स इट, और कुछ नहीं पता। यहां जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तब वो अपने बारे में सोचने लगता है कि यार मेरे पापा तो चलो पुलिस में है, या मेरे पापा तो डॉक्टर है, या मेरे पापा जो है खेती करते हैं, ठीक है उनकी पहचान है, मेरी क्या पहचान है, मैं कौन हूं, मेरा भी एक समाज में रुतबा होना चाहिए, एक जगह मुझे मिलनी चाहिए समाज में। तो उस जगह को ढूंढने के लिए बच्चा जो है कोशिश में कश्मकश में लग जाता है। तो यहाँ पर जो है इसी भाव को, सेल्फ एनालिसिस को और सेल्फ रिकॉग्निशन को जो कहते हैं वो स्वायत्तता का भाव कहेंगे, कि यहाँ पर बच्चा अपने बारे में सोच रहा है अब कि मैं, और वो फिट होने की कोशिश करता है कि मैं बड़ों में फिट हो जाऊं, और बड़े उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है बच्चा, यहाँ पे किशोर अवस्था में वो बच्चों के साथ खेलना कम पसंद करता है, मतलब छोटे बच्चों के साथ में ना तो खेलेगा और ना ही बच्चों वाली हरकतें करेगा। अब वो चाहता है कि मैं जो है वयस्कों वाली टीम में एंटर कर जाऊं, लेकिन बड़े लोग जो है वो उसको बच्चा समझते हैं, ये भी प्रॉब्लम आती है, वो उसको एंट्री लेते नहीं है अपने ग्रुप में, तो इसलिए ये पे थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली जगह तो होती है। संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता आ जाती है, जो कि बिल्कुल जीन प्याजे के हिसाब से भी ये हम पढ़ चुके हैं, तो जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो परिपक्व होने लगता है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, मेमोरी भी बढ़ती है, शार्पनेस, और इसमें जो है सृजनात्मकता भी बहुत बढ़ती है, शायद मैंने लिखा भी, हाँ सृजनात्मकता आपकी जो है उच्च स्तर पे होती है। तो ये स्टेज में कुछ चीजें प्रॉब्लम वाली भी हैं, लेकिन उसके साथ में जो है बहुत सारी नई चीजें जो है वो फायदेमंद भी है, क्योंकि इसमें जो है
हर चीज एकदम हाई अपने पीक पे होती है। मतलब यहाँ पे अगर कोई काम करना चाहे वो, तो वो उसको बहुत जुनून के साथ में करता है। और आपने देखा भी होगा जितने भी नई चीजें, जैसे कि कोई फाइटर हो या कोई एथलीट बनता है या कोई ऐसा गेम में जाते हैं, जैसे लोग बच्चे क्रिकेट में जा रहे हैं, फुटबॉल में जा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज, वो सारे एंट्री करते हैं किशोरावस्था से। किशोरावस्था के बाद तो कुछ कॉलेजेस या कुछ कैंपस ऐसे होते हैं जो लेते भी नहीं है कि भाई आप 18 साल के हो चुके हैं या 20 साल के, अब आपकी एंट्री खत्म है, आप कुछ और करियर ढूंढ लो। उसके बाद में वो स्पोर्ट्स में लेते भी नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स में जाने के लिए जो चाहिए वो जुनून चाहिए, एक्टिव चाहिए बंदा बहुत एकदम, और उसके दिमाग से भी और शरीर से भी। तो इस स्टेज में सब चीज होती है, फिर निडरता होती है इस स्टेज में। बच्चा इसमें डरता नहीं है, बल्कि बच्चा कहना ही इसको गलत हो गया इस स्टेज में, तो बच्चा वो अपने आप को मानता भी नहीं है किशोर अवस्था में। तो निडरता होती है यहाँ पर, डर वर नहीं लगता। ये बात सिंपल, ये बात बिल्कुल राइट है, क्योंकि इस स्टेज में क्या है कि अच्छे बुरे की इतनी पहचान होती नहीं है कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदायक है। इंसान अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान के साथ में भी भिड़ जाता है, उसको पता भी नहीं होता कि वो पिटने वाला है, लेकिन उसको गुस्सा या जो कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या निडरता कह सकते हैं, वो इतनी होती है कि उसको मतलब नहीं होता कि सामने वाला बंदा कौन है, मैं पिटूंगा या बचूंगा कुछ नहीं, लेकिन वो भिड़ जाएगा। जैसे हम बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, हमें पता होता है कि भाई किस इंसान के साथ में हम लड़ सकते हैं, किसके साथ नहीं लड़ सकते हैं, हमें प्यार से रहना चाहिए, या सामने वाले की पोस्ट हमसे बड़ी है तो हम उससे को कुछ इस तरह की बात ना बोलें कि हमारा ही नुकसान हो जाए। तो ये सब चीजें इस स्टेज में होती नहीं है, उतनी समझदारी नहीं होती। अपोजिट सेक्स के साथ की तरफ जो है झुकाव होता है, मतलब जो लड़के हैं वो लड़कियों को पसंद करने लगते हैं, लड़कियां लड़कों को पसंद करने लगती है, मतलब अट्रैक्शन होने लगता है इस स्टेज में। एक दूसरे की तरफ जो है खिंचाव बढ़ जाता है, एक दूसरे से बातचीत करना, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ अगर स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं तो एक साथ बैठना भी उनके लिए जो है उन्हें एक अलग मतलब आनंद देता है या रुचि उनकी आती है उसमें। अगर एक दूसरे की मदद करना उनको पसंद आता है। इससे पहले बाल्यावस्था की बात करेंगे तो कोई अट्रैक्शन अट्रैक्शन नहीं होता, झगड़ा हो गया वो पीट देगी लड़की लड़के को, लड़का लड़की को, अगर उनका एक गेंद के ऊपर भी झगड़ा हो गया तो वहां पे झगड़ा होना ही है, वहां पे कोई मतलब नहीं है इस चीज से लेके। लेकिन जब किशोरावस्था में आते हैं तो अब उनका एक अलग ही स्वभाव हो जाता है, लड़के कभी लड़कियों को जो है पीटेंगे नहीं, चाहे उसने गलती भी करी हो या कुछ भी, तो वो उसका वो सपोर्ट करेंगे अगर दूसरा लड़का कुछ कह भी रहा होगा। तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं, थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक स्थिरता होती है, यानी कि संवेग जो होते हैं हमारे, संवेग पता ही आपको, रोना हो गया, हंसना हो गया, खुशी गम सब चीजें, तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और शांत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है उनको पता नहीं चल पाता, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है इस स्टेज के बच्चों को। अवास्तविक आकांक्षाएं, यानी कि जो रियल ना हो, रियलिटी से मैच ना करती हो, ऐसी उम्मीदें पाल लेना इस स्टेज में होता है, क्योंकि कल्पना शक्ति होती है। और यहाँ पर जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, एक जो जोश होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ये होना जरूरी भी है, ये अच्छा भी है, ये सिर्फ नुकसानदायक नहीं है, ये अच्छा भी है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा जो है एक नई कल्पना करके और ये बनता है कि ये काम तो मैं कर सकता हूँ, और बहुत सारे बच्चे कर भी जाते हैं। तो ये होना भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नुकसान वाली चीज है, ये अच्छी चीज भी होती है। इस स्टेज में ही आती है कि मुझे फाइटर बनना है, या मुझे जो है नेता बनना है, या मुझे ये बनना है वो बनना है, और फिर बच्चा अगर उसको सही डायरेक्शन मिल जाए तो वहां तक पहुंच भी जाता है। बट अवास्तविक इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार ऐसी आकांक्षाएं वो बना लेते हैं जो रियलिटी बेस्ड नहीं होती। अब वो कहें कि मुझे जो है आसमान में घर बनाना है, भाई ऐसी थोड़ी चीज होती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसी कल्पनाएं बच्चा बना लेता है जो रियलिटी से मैच नहीं करती। वयस्क तो की दहलीज इस अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद में वो जो है वयस्क होने वाला है, तो उसकी जो है कहते हैं कि वयस्कता की दहलीज ये होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शंस जो होते हैं उनमें लिखे होते हैं। तो फिलहाल तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी आगे जो डेवलपमेंट्स आते रहेंगे उनके बीच बीच में तो हम इन सभी स्टेजेस का उपयोग करते रहेंगे और काम आती रहेंगी है। खाली पेज आ गया। हाँ, अगला जो पॉइंट है वो है आपका वृद्धि और विकास में अंतर। शॉर्टकट में समझ लेते हैं, 2 मिनट में, ज्यादा वक्त इसको देंगे नहीं, और अब थोड़ा सा फास्ट पे चलेंगे, क्योंकि हम अगर ज्यादा डीपली तो लेके चलूंगा, लेकिन बस ये है कि थोड़ा फास्ट कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं पॉइंट छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ कोई भी। ऐसा नहीं है कि पॉइंट छूट गया हो कोई और फिर वही पॉइंट एग्जाम में आ गया तो नुकसान हो जाएगा हमारा, है ना।
देखिए वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, तो वृद्धि का मतलब होता है एक सिंपल सा, अभी हमने पढ़ा था पीछे कि जो हमारे शरीर के अंग होते हैं या शरीर का आकार हो गया या शरीर का वजन हो गया उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, अब विकास भी हमने पढ़ा ही है, तो जो वृद्धि होती है वो आपकी परिमाणात्मक होती है। परिमाण मतलब होता है जिसको नापा जा सके, तो वृद्धि को नाप सकते हैं हम, बच्चे की लंबाई नाप सकते हैं, हमें दिखती भी है वो बिल्कुल कि अभी बच्चा जो है 2 फीट का है, फिर हमने उसको 4 महीने के बाद 2 नापा तो वो 2.5 फीट का हो गया, 1 साल बाद नापा 3 फीट का हो गया, तो हम उसको नाप सकते हैं। वजन भी नाप सकते हैं कि अभी 20 किलो का है, फिर 22 किलो, फिर 25 किलो, फिर 30 किलो बच्चा बढ़ रहा है, तो ये सब चीजें क्या है, ये नापी जा सकती है। वृद्धि को हम आसानी से नाप सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वजन किसी भी तरीके से आप देखोगे, यहाँ तक के बाल भी नाप सकते हो चाहे तो आप, कितने लंबाई है बालों की ये सब वगैरह, तो ये परिमाणात्मक है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। अब यहाँ पर जो है केवल परिमाणात्मक से काम नहीं चलेगा, परिमाणात्मक तो होता ही है क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो जो शारीरिक विकास है वो विकास का ही एक पार्ट है, जिसको हम वृद्धि कह रहे हैं एक्चुअल में वो शारीरिक विकास है, जिसको हम वृद्धि कह रहे हैं वो शारीरिक विकास है, लेकिन शारीरिक विकास से थोड़ा सा छोटा है। कैसे, इसको मैं एक कॉन्सेप्ट को अभी समझाऊंगा, पहले ये वाली लाइन कंप्लीट कर दूं। परिमाणात्मक तो हो गया क्योंकि शारीरिक विकास है तो नाप सकते हैं, बुद्धि लब्धि को नाप सकते हैं आप, इसी प्रकार से मेमोरी को आप नाप सकते हैं, तो ये कुछ चीजें होती हैं टेक्निकली जिसको नाप भी सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, इनको क्या है, हम गुणों के आधार पर ही, या नैतिक विकास है, इनको गुणों के आधार पर ही हम जो है देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आते हैं परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक, और ये सीधा सीधा प्रश्न जो है वो आपका आता भी है। अब जो मैं बात बता रहा था शारीरिक विकास की, तो शारीरिक विकास जो है उसी को वृद्धि कहते हैं, लेकिन वृद्धि जो है उससे बड़ा है शारीरिक विकास। कैसे, वृद्धि जो है वो केवल हमारे शरीर के आकार और वजन के बढ़ने को वृद्धि कहते हैं, लेकिन विकास के अंदर केवल शरीर के बड़े होने को वृद्धि विकास नहीं कहते शारीरिक विकास, बल्कि शारीरिक विकास में शारीरिक क्षमताएं भी शामिल होती हैं, जिसको हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। हालांकि उसको हम अलग कर देते हैं एक पढ़ने के लिए, चैप्टर बनाने के लिए, लेकिन वो है इसी का हिस्सा। शारीरिक विकास के अंदर जो हमारी क्षमताएं होती हैं, जैसे बॉल को पकड़ना, या बॉल को मैं फेंक रहा हूं तो वो कितनी तेजी से मैं फेंक सकता हूं, वो मेरी क्षमता है ना शरीर की, तो शारीरिक क्षमताएं, जो लिखने की क्षमता है वो भी शारीरिक विकास में, अगर मेरा हाथ डेवलप नहीं होगा मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो ऐसी बहुत सारी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो भी शारीरिक विकास के अंदर ही आएंगी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं। तो वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित आयु तक होती है, जैसे कि 18-20 साल तक होगी, उसके बाद में जो है शारीरिक वृद्धि नहीं होगी, लेकिन जो विकास है वो मृत्यु तक चलता रहता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि ये तो शरीर से रिलेटेड है और इससे बाहर कुछ है ही नहीं वृद्धि में। इसका क्षेत्र व्यापक होगा क्योंकि इसमें जो है आपका शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, भाषा विकास हो गया, और भी कई सारे विकास है, तो इसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है। ये आपका केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, इसमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे व्यवहारिक में सामाजिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, तो उसका हमारे व्यवहार से पता चल रहा है। उसके अलावा इसको प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, भाई ग्रोथ को तो हम देख सकते हैं ना, हमें बच्चा बड़ा होता है वो दिख रहा है, लेकिन इसको नहीं देख सकते, इसके कुछ पहलुओं को देख सकते हैं, सभी पहलुओं को आप प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट आप देख नहीं सकते, उनको जो है ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पूरा जो है चेकलिस्ट से या आपके जो भी परीक्षण होंगे उनसे नापना पड़ेगा बच्चे का कितना शारीरिक विकास हो रहा है सब चीजें, तो हम इसको डायरेक्टली देख नहीं सकते डेवलपमेंट को। क्लियर है इतनी बात, दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब यहां पे बात करते हैं अगले पॉइंट की, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, मतलब ये जो है ये कारक वही विकास को अच्छी दिशा में भी ले जाएंगे, और यही कारक अगर गड़बड़ हो जाए तो वही विकास को कम भी रह सकता है विकास, या विकास को पीछे छोड़ सकती है ये चीज है। तो पहली चीज सबसे है आनुवांशिकता, आपके माता पिता से आपको किस प्रकार के गुण मिले हैं ये चीज डिपेंड करती है कि आपका डेवलपमेंट कैसा होगा या आपकी वृद्धि कैसी होगी, क्योंकि आनुवांशिकता से ही डिपेंड होता है कि आपकी हाइट कितनी होगी, आपका वजन, आप मोटे रहेंगे या दुबले रहेंगे, वो अलग बात है जो बाद में आती है ना चीजें कि जिम जाके हमने अपने वजन को कम कर लिया या फिट हो गए, वो चीजें एक्सटर्नल है, वो वातावरण से रिलेट कर रही है। लेकिन अगर आप जिम नहीं जाते और नॉर्मली जैसे डेली रूटीन रहता है हमारा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते, तो अगर आपके माता पिता मोटे हैं तो आप भी यानी कि बच्चा भी मोटा ही रहेगा, चाहे वो
कम खाए ज्यादा खाए नो मैटर, वो बिल्कुल उसकी शेप जो है वैसी ही रहती है, जैसे जिस पिता का पेट निकला हुआ रहता है तो उसके बच्चों का पेट भी निकला हुआ होता है। एज का डिफरेंस आता है कि बचपन में नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो वयस्क अवस्था तक पहुंचने वाले होते हैं सेम उनकी आकृति जो है बिल्कुल बाप जैसी बन जाती है। ये चीजें प्रत्यक्ष रूप से अपने आस पास के पड़ोस में आप डायरेक्टली देख सकते हैं। मैं तो डेली देखता हूँ कितनी चीजें, क्योंकि मेरा माइंड चलता रहता है इन चीजों में, क्योंकि रोज यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आनुवंशिकता अच्छी है या आनुवंशिकता में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई बीमारी आ जाती है माता पिता में, तो वो ट्रांसफर हो जाती है बच्चों में, तो उससे विकास इफेक्ट हो जाएगा। तो आनुवंशिकता से भी आपका बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। माता पिता अगर इंटेलिजेंट हैं तो आपके बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे, उनकी बुद्धि उनमें आती है विशेषता, तो आनुवंशिकता से आ रही है तो डेवलपमेंट अच्छा होगा। उसी प्रकार से सेकेंड आता है पोषण, यानी ये बच्चा पैदा हो चुका है, अब उसका खान पान, उसको किस प्रकार की चीजें आप खिला रहे हैं, सारी चीजें उससे विकास और वृद्धि डेवलपमेंट जो होगा वो आपका इफेक्ट करेगा। अगर उसको एक संतुलित आहार मिलेगा तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, नहीं मिलेगा तो डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा ही। ठीक है, जलवायु का फर्क पड़ता है कि आप किस शहर में किस देश में रह रहे हैं, जैसे कि ठंडे इलाके में रह रहे हैं, गर्म इलाके में, या एक शुद्ध पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, या मैदानी इलाके में, या फिर आप एक बहुत ही भीड़ वाले शहर में रह रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा प्रदूषण है, तो वहां पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा ही सब चीजों का। तो जलवायु का बहुत फर्क पड़ता है, पर्यावरण आपका चारों तरफ कैसा है उससे फर्क पड़ेगा, समुदाय आपका कैसा है, आपकी कम्युनिटी के लोग किस प्रकार की सोच रखते हैं। कई बार होता है कि जो समाज की सोच है वो समाज की सोच ही छोटी है, तो बच्चे का डेवलपमेंट ही क्या करे, बच्चा कुछ करना भी चाहता है वो उसको करने नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि आप अकेले बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो समुदाय का भी फर्क पड़ता है कि आप बच्चा जो है किस समुदाय का है, तो इससे भी वृद्धि और विकास पे फर्क पड़ता है। सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक, संस्कृति यानी कि आपका कल्चर क्या है, धर्म क्या है, इन चीजों का भी आपका किस समाज में आप रह रहे हैं सब चीजों का फर्क पड़ता है। इन सब चीजों से वृद्धि विकास प्रभावित होता है। आर्थिक स्थिति कैसी है आपकी, अगर आप बहुत ज्यादा गरीब होंगे तो आप अपने बच्चों को खान पान ही अच्छा नहीं दे पाएंगे, पोषण अच्छा नहीं दे पाएंगे, शिक्षा अच्छी नहीं दे पाएंगे, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो बहुत सारी, अगर आर्थिक स्थिति का भी आपका वृद्धि विकास पे फर्क पड़ेगा। शिक्षा कहाँ मिल रही है उसको, किस प्रकार का स्कूल है, अच्छा स्कूल है, या टीचर अच्छे हैं या नहीं है, या स्कूल जाने का उसको मौका मिला भी है या नहीं मिला है बच्चे को, इस चीज से भी फर्क पड़ेगा। स्वास्थ्य से फर्क पड़ेगा बच्चे का, अगर बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा शारीरिक रूप से तो उसका विकास अच्छा होगा। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो शरीर अच्छा होगा तो मस्तिष्क अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा, सब चीजें। स्वास्थ्य यानी कि अगर कोई बीमारी बच्चे को हो गई है तो उससे विकास उसका जो है रुक जाएगा, ऐसा होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस भी हम जिसको कहते हैं। तो कई बार बच्चे को बीमार हो जाता है, सेम एज के बच्चे हैं, एक बच्चा लगता है कि ये अभी 6 साल का है, वही सेम बच्चा लगता है दूसरा कि वो 9 साल का है, जबकि वो होते 7 साल के हैं दोनों, तो ऐसा डिफरेंस जो है दोनों को दिखने में आता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए, तो अगला जो टॉपिक है उसको मैं शॉर्टकट में बताऊंगा कॉन्सेप्ट को, और उसका जो है टॉपिक है आपका लर्निंग यानी कि अधिगम। क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे थे टॉपिक, जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था हमारा, तो चैप्टर का नाम था हमारा कि विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध। ठीक है, तो विकास तो हमने पढ़ा अभी, विकास के सिद्धांत वगैरह वो आगे पढ़ेंगे उस सब चीजें, लेकिन यहाँ पे क्या है कि विकास का अधिगम से संबंध क्या है ये हमारे लिए समझना जरूरी है यहाँ पे। तो उससे पहले ये समझना जरूरी है कि अधिगम होता क्या है। एक मिनट, तो अगर हम अधिगम की बात करें तो अधिगम को सीखना भी कहते हैं, दोनों वर्ड याद रखना क्योंकि कई बार अधिगम लिख के आ जाता है प्रश्न में, कई बार सीखना इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, दोनों को सेम चीज है। तो यहां पर सिर्फ एक लाइन मैंने लिखी है, इसको आप परिभाषा समझ लो या अधिगम का अर्थ समझ लो, जो भी कहना चाहो, लेकिन इस एक लाइन से ही आपका जो है 3 प्रश्न बनते हैं। इस एक लाइन में ही 3 प्रश्न छुपे हुए हैं और पूरा कॉन्सेप्ट आपका लर्निंग कहते किसको है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका इसी लाइन से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जिनसे सारी बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो यह है कि परिवर्तन होता है, जैसे कि हम बात करें, जैसे हमने विकास में पढ़ा है कि परिवर्तन होगा, कुछ बदलेगा तभी हम उसको विकास कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, सेम चीज है, यहाँ पे भी क्या है, परिवर्तन हो रहा है आपका। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या है, स्थायी परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो सबसे मेन पॉइंट यह है कि स्थायी परिवर्तन होगा व्यवहार में। सिंपल सा इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि व्यवहार में कई बार ऐसे परिवर्तन होते हैं जो थोड़े छोटे मोमेंट के लिए होते हैं, जैसे कि गुस्सा आ जाना, तो गुस्सा आता है तो इंसान का व्यवहार बदल जाता है। अगर भूख लगती है तो इंसान का व्यवहार बदल जाता है। और अगर कुछ भी ऐसा हुआ है कि मतलब बीमारी हो गई है कोई, तो व्यवहार बदल जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उससे क्या है, व्यवहार तो बदलता है लेकिन वो स्थायी नहीं होता। वो जो परिवर्तन होता है वो स्थायी नहीं होता, वो थोड़ी देर के लिए होता है। जब वो प्रॉब्लम हट जाती है या वो चीज समाप्त हो जाएगी, व्यवहार नॉर्मल हो जाएगा। तो वो कोई सीखी गई चीज नहीं है, वो एक प्रतिक्रिया है। उस परिवर्तन को हम सीखना नहीं कह सकते। अब स्थायी परिवर्तन हम किसको कहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका, आपको बाइक चलाना सीखनी है। तो बाइक चलाना सीखना कोई एक दिन का काम तो है नहीं कि आपने जो है एक सेकेंड लगा और बाइक सीख ली। आप उसके लिए अभ्यास करेंगे, उसमें आपको अनुभव होगा, डेली नया अनुभव हो रहा है। तो आपके आप कई बार बाइक से गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है, लेकिन उसमें क्या है, आप रोज उसका अभ्यास करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, फिर धीरे 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 कुछ दिन बाद जो है आप बाइक चलाना सीख जाते हैं। तो वो जो परिवर्तन हुआ है आपके व्यवहार में, बाइक चलाना सीखना या बाइक चलाने का व्यवहार आपके अंदर जो है आ चुका है। तो ये जो व्यवहार आपके अंदर आया है ये आपका स्थायी है, ये अब आपका जो है स्थायी हो चुका है। ये कोई एक दिन के लिए नहीं है, दो दिन के लिए नहीं है, इसको आप हमेशा के लिए सीख चुके हैं। आप अगर बीच में अगर आपने कुछ दिन चलाई भी नहीं बाइक, मान लीजिए आपने 6 महीना छोड़ दिया या 10 महीने छोड़ भी दिया, तो फिर जब आप दोबारा चलाएंगे तो कुछ ही देर में, शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे जब इतने टाइम के बाद गैप के बाद करेंगे, लेकिन आप अगर उसको चलाना शुरू करेंगे तो 5-10 मिनट में ही आप फिर से जो है अपने फ्लो में आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये क्या चीज है, ये स्थायी परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार से पढ़ाई में अगर हम बात करें, किसी बच्चे को हम जो है लिखना भी सिखा रहे हैं, तो लिखना भी क्या है, जैसे ए आ लिखना भी सिखा रहे हैं, तो वो भी एक दिन में नहीं सीखता, उसके लिए अभ्यास करवाना पड़ता है। बच्चे को डेली डेली अभ्यास करवाना पड़ता है, अलग अलग टेक्निक्स अपनानी पड़ती है, हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता है, कॉपी करवानी पड़ती है, हम बना करके दे देते हैं उसके ऊपर पेंसिल से, वो ऐसे फिर आता है कॉपी करता है, तो उसमें भी टाइम लग रहा है। लेकिन जब वो उसको सीख जाता है, जब वो उसको करना आ जाता है, तो उसके जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, अगर उसने एक लेटर लिखना भी ये सीख लिया है, तो ये भी उसका जो है स्थायी परिवर्तन है। अब वो इसको भूलेगा नहीं, कुछ लंबे समय तक इसको याद रखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो यही है कि ये व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो क्या है कि ये व्यवहार जो होता है ये आपका अभ्यास और अनुभूति के द्वारा होता है। दो ही चीजें हैं, ये चीज दो वर्ड है, इनके अलावा दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी लर्निंग करा दे या आपके व्यवहार में परिवर्तन ला दे। तो जो आपका सीखना होता है वो सिर्फ दो ही चीजों के द्वारा होगा। अभ्यास का मतलब तो आप सबको पता है, अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस या एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, और जो आपका अनुभूति होती है उसको कहते हैं अनुभव, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। तो ये दो ही ऐसी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा सीखना हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब आप कितने ही एग्जांपल लेकर देख लो, यहां पर जो है मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहली चीज जो आपका अभ्यास का एग्जांपल जो अभी मैंने दिया है आपको, जब आप बच्चों को कुछ चीज लिखना सिखा रहे हैं, चाहे उसका नाम लिखना ही सिखा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको डेली अभ्यास करना पड़ता है। उसके अलावा एकदम मतलब उसकी और कोई तरीका है ही नहीं। उसमें अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो आप उस चीज को नहीं सीख पाएंगे। आपने बाइक चलाना सीखा है, उसका भी अभ्यास कर रहे हैं, तो वो भी अभ्यास के द्वारा सीख रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव के द्वारा सीखी जा सकती है, एकदम से इंस्टेंट अनुभव के द्वारा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चा जो है किसी घर में खेल रहा है और कोई गर्म चीज है, या मोमबत्ती होती है, या आपका खाने का पतीला है जो आपने अभी अभी गर्म करके रखा है, उस पर अगर बच्चे का हाथ लग गया तो उसको एक बार में सीख जाएगा कि ये चीज जो है गर्म होती है, इसको जो है छूते नहीं है। या किसी को बिजली का करंट जब लगता है ना, किसी व्यक्ति को जब बिजली का करंट लगा तो उस वो जो है फिर उसको समझ में आ गया कि मुझे जो है नंगे तार जो है वो छूने नहीं चाहिए, तार को छूने के लिए जो है एक अलग तरीका होता है, या ये वाला तार छूना चाहिए, ये नहीं छूना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि उसको एक बार झटका लगा है तो उसको दोबारा झटका लगेगा, उसके लिए अभ्यास की जरूरत थोड़ा है कि वो एक दिन और झटका लेगा, फिर तीसरे दिन और एक बार और झटका लेके देखे तभी सीखेगा, ऐसा थोड़ा होता है। वो एक बार में सीख गए, यानी कि वो अनुभव से सीखा है, वहां पे एक अनुभव हुआ आपको गलत चीज का तो आप सीख गए। इसी प्रकार से जैसे आप रोड पे चल के जा रहे हैं कहीं पे, और वहां पे जो है आपको कोई खड्डा कोई गड्ढा और इस तरह से दिखा और आप उसमें गिर गए गलती से, आप फोन में बात कर रहे थे या कुछ भी हुआ, आप उस पर गिर गए,
तो अब जब आप नेक्स्ट डे जाएंगे तो आप उससे बच के जाएंगे, वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको अगले दिन फिर गिरना पड़ेगा, फिर तीसरे दिन भी गिरना पड़ेगा तब जाके आप सीख रहे हैं, तो वहां पे अभ्यास की जरूरत तो नहीं है, वहां पे तो एक्सपीरियंस हो आपको एक बार में आपको बात समझ में आ गई। तो जो सीखना हो रहा है वो या तो प्रैक्टिस से हो रहा है या एक्सपीरियंस से हो रहा है, दो ही चीजें होती है और कई बार दोनों चीजें साथ में होती है, दोनों चीजें साथ में होती है। आप जो है डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ आपको अनुभव होता जा रहा है, जैसे कि आपका टाइपिंग सीखना हो गया या बाइक सीखना हो गया, इसमें दोनों चीजें चलती हैं साथ में। प्रैक्टिस तो आप डेली कर रहे हैं लेकिन डेली आपको अनुभव भी तो मिल रहा है, उस चीज को करने का अनुभव भी तो हो रहा है। तो ये तीन चीजें हैं आपकी, एक तो परिवर्तन होगा लेकिन परिवर्तन स्थायी होगा तो सीखना होगा, और अभ्यास और अनुभूति के द्वारा होगा तो होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो है कोई दवाई कोई टैबलेट खा ली है और उस टैबलेट के खाने का जो रिएक्शन है उससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया और आप उसको सीखना कह रहे हैं, वो सीखना नहीं हो सकता, वो एक रिएक्शन है, सिर्फ एक प्रतिक्रिया है। क्लियर है, ये तो हुआ हमारा सीखना। अब आगे आते हैं और बात करते हैं कि विकास और अधिगम में संबंध क्या है। तो ये देखिए, विकास और अधिगम जो है वो एक दूसरे पर निर्भर भी है और एक दूसरे से संबंधित भी है। क्या ये एक दूसरे से संबंधित भी है, यानी कि जुड़े हुए हैं और निर्भर भी हैं। कैसे हैं वो समझते हैं। देखिए, अगर विकास नहीं होगा तो आपका अधिगम नहीं हो सकता। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आपका जो है अगर हाथ का विकास हो रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं अभी सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, तो हमारा शरीर जैसे जैसे बड़ा होता है, यानी कि एक बच्चा होता है तो उसको कोई चीज पकड़ना, वो पेन पकड़ सकता है आपका, नहीं पकड़ सकता, गेंद पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता, उससे आप कहेंगे गेंद फेंक दो तो फेंक देगा नहीं, क्योंकि उसकी मसल्स अभी जो है डेवलप नहीं हुई है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे अगर 4-5 महीने का बच्चा भी है तो वो किसी भी चीज को ऐसे मुट्ठी में पकड़ सकता है, इस तरह से ऐसे नहीं पकड़ सकता वो, जैसे धीरे धीरे 2-3 साल का हो जाएगा तो फिर वो ऐसे पकड़ना भी धीरे धीरे सीख जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर उसके मसल्स ग्रोथ ही ना हो, यानी कि उसकी मांसपेशियां डेवलप्ड ही ना हो, तो क्या वो कभी पैन पकड़ना सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा। और अगर पैन पकड़ना नहीं सीखेगा तो ऐसी कोई भी चीज पकड़ना नहीं सीख पाएगा, यहां तक कि वो पुस्तकें भी नहीं पकड़ सकता, कोई किताब भी नहीं पकड़ सकता, पानी के लिए ग्लास नहीं पकड़ सकता, अगर शारीरिक डेवलपमेंट ना हो। विकास नहीं होगा तो अधिगम नहीं होगा, ये सिंपल बात है। इसी प्रकार से अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही ना हो, बच्चे का जो मानसिक विकास है, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, अगर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास ना बढ़े धीरे धीरे, जैसे कि पहले क्या करते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, पहले तो संवेदी मांसपेशी अवस्था में होंगे, लेकिन उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक में आते हैं तो और हमारा संज्ञानात्मक बड़ा होता है, फिर हम जब और अगली स्टेज में आते हैं, जब बच्चा और 8-10 साल का हो गया है तो फिर उसका संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा। अगर संज्ञानात्मक विकास नहीं बढ़ेगा तो क्या वो गणित के सवाल सॉल्व करना सीख जाएगा? क्या वो किताब में कोई कहानी पढ़ना सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। तो इसका मतलब अधिगम नहीं होगा। अगर विकास नहीं होगा तो अधिगम भी नहीं होगा। कैसे सीखेगा चीजों को? अगर आपका जो है शरीर बड़ा ही नहीं हुआ, शरीर की ग्रोथ ही नहीं, तो क्या आप बाइक चला पाएंगे? कैसे चलाएंगे जब शरीर की ग्रोथ ही नहीं हुई है, या शरीर की मांसपेशियां मजबूत नहीं हुई है, विकास नहीं हुआ है, तो कोई भी चीज लर्न नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज नहीं सीख सकते। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो है जो अधिगम है वो विकास पर डिपेंड हो गया, सिंपल सी बात है। अब उल्टा चलते हैं इससे, अब बात करते हैं अधिगम की, कि अगर अधिगम ना हो, जैसे कि मान लीजिए शारीरिक विकास तो हुआ है, शारीरिक विकास तो हुआ है कि बच्चा जो है 6 साल का हो गया, अच्छा खासा दिखने में सेहतमंद है, ठीक है, लेकिन अगर उसको स्कूल में कभी भेजा ही ना जाए, या उसको कभी इंग्लिश पढ़ना हिंदी पढ़ना सॉरी सिखाया ही ना जाए, कभी उसको लर्निंग दी ही ना जाए, कभी उसको यही नहीं सिखाया कि 2 और 2 कितने होते हैं, या 2 और 5 कितने होते हैं, कभी जोड़ना घटाना कुछ नहीं सिखाया, यानी कि लर्निंग जो है जीरो है, हम कुछ नहीं सिखा रहे हैं उसको, तो क्या उसका संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। संज्ञानात्मक विकास जो है वो उतने अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा जितना पहुंचना चाहिए था। नेचुरली तो आसपास की जो चीजें होंगी सॉरी कल एक्चुअली मैंने लस्सी पी ली थी तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा गला गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर वो चीज नहीं हो पाएगी। तो अगर अधिगम नहीं हो रहा है, लर्निंग नहीं हो रही है, तो आपका विकास कहीं ना कहीं रुकेगा। अब सामाजिक जो चीजें होती हैं, जैसे सामाजिकता है, सामाजिकरण जिसको बोलते हैं, समाज में किस तरह से रहते हैं, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, छोटों के साथ कैसे करते हैं, अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अगर ये चीजें अधिगम में नहीं आएंगी, ये चीज बच्चा सीखेगा नहीं। स्कूल में सब तरह की चीजें सिखाते हैं ना, सामाजिक विकास भी सिखाते हैं, नैतिक विकास भी, तो अगर अधिगम नहीं हो रहा है उन चीजों का, तो आपका ना सामाजिक विकास हो पाएगा, ना आपका जो है लर्निंग का विकास उसका सॉरी संज्ञानात्मक विकास भी नहीं हो पाएगा आपका, तो बहुत सारे विकास जो है वो आपके पिछड़े रह जाएंगे।
क्लियर है, आपका भाषा विकास नहीं होगा भाई यहाँ पर, अगर जो है आप उसको सिखा नहीं रहे हैं लिखना पढ़ना कुछ भी तो विकास नहीं होगा। तो इससे एक बात सीधी क्लियर हो जाती है कि ये दूसरे जो है, ये जो दोनों है ये एक दूसरे पर डिपेंड है, ये एक दूसरे पर डिपेंड है, एक के बिना दूसरे का वजूद नहीं है, तो दोनों ही साथ साथ चलेंगे। और यहां पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं सिंपल सी, जो अधिगम होता है वो केवल स्कूल में नहीं होता या केवल एकेडमिक नहीं होता। तो हमारे दिमाग में कई बार ये बात आ जाती है कि हम जो है ये बात कर रहे हैं कि अगर बच्चों को लिखाएंगे पढ़ाएंगे नहीं तो विकास नहीं होगा, यही हम बातें करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो हम घर पे सीखते हैं, जो हम अगर यहाँ पे मैं बात करूं घर में हम एक स्क्रू ड्राइवर के द्वारा एक पेंच खोलना भी सीख रहे हैं तो वो अनौपचारिक शिक्षा है, स्कूल में नहीं सिखाई जा रही है, लेकिन है तो अधिगम ही है, तो वो अधिगम ही। क्योंकि कई बार ये दिमाग में आ सकता है ना कि संज्ञानात्मक विकास तो वैसे भी बढ़ेगा, स्कूल ना जाएंगे तब भी बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, लेकिन लर्निंग से ही बढ़ेगा। अगर किसी बच्चे के माता पिता जो है कोई ऐसा काम करते हैं, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल दूं मैकेनिक है, किसी के पापा जो है वो मैकेनिक है, मिस्त्री है, वो बाइक सही करते हैं, कार सही करते हैं, तो उनका जो बच्चा होगा वो स्कूल जाए या ना जाए नट बोल्ट खोलना तो सीख ही जाएगा, ये नेचुरल बात है। तो वो जो अधिगम है उसका वो इनफॉर्मल है, यानी अनौपचारिक है, भले ही वो स्कूल में जाके नहीं हुआ लेकिन है अधिगम ही वो भी। तो जो उसका संज्ञानात्मक विकास बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है अधिगम के द्वारा ही। तो क्लियर बात है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है कई बार दोनों में कैसा संबंध है, तो संबंधित है, निर्भर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वृद्धि और विकास के सिद्धांत, और इससे इस बार बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं जब से ऑनलाइन एग्जाम होना शुरू हुआ है। 2021 और 22 दो बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, यानी कि 21-22 और 22-23 वाला, तो उन दोनों में विकास के सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछता है कई बार जो है, अभी एक प्रश्न मैं आपको दिखाई देता हूँ कौन से सिद्धांत से पूछा था। हाँ, ये पूछता है कि पहले बच्चा जो है गेंद को पकड़ना सीखता है, उसके बाद में बच्चा जो है एक पेन को पकड़ना सीखता है, या उल्टा इसको कह सकते हैं। ये आया हुआ प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले बच्चा जो है एक पेंसिल को पकड़ने सीखने से पहले बच्चा गेंद को पकड़ना सीख लेता है। अब बताओ ये जो प्रक्रिया है या जो स्किल है वो विकास के कौन से सिद्धांत से रिलेट करता है। तो ये जो सिद्धांत है ये है आपका अधोगामी विकास का सिद्धांत जो यहाँ पे लिखा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। पीडीएफ शायद बंद हो गई होगी, मुझे दोबारा खोलनी पड़ेगी। चलिए इसको एंड में खोल के मैं आपको दिखाऊंगा, पीडीएफ एक्चुअली बंद हो गई है। तो पहले हम इनको पढ़ लेते हैं फिर, ठीक से। ठीक है, तो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में जो सबसे पहला सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपके मतलब ये है कि एक एक सिद्धांत के अंदर जो मैं एग्जांपल दूंगा आपका, वो एग्जांपल भी ध्यान रखना, क्योंकि जो एग्जांपल है उन्हीं से प्रश्न बनते हैं, और जो प्रश्न मैंने देखे हैं जो पेपर में आए हुए हैं वो सारे एग्जांपल मैं पहले आपको दे चुका हूँ, जो इससे पहले के जो लेक्चर वीडियोस पुरानी वीडियोस चैनल पर पड़ी हैं, जो उसमें मैं उदाहरण देता था उन उदाहरणों से प्रश्न बना दिए हैं। आजकल थ्योरेटिकली लाइन से नहीं पूछ रहा है बल्कि उदाहरणों से प्रश्न पूछ रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए इस तरह से पूछ लेगा कि एक बच्चा जो है, जब बच्चे से पूछा गया कि दूध कहाँ से आता है तो उसने ये जवाब दिया कि डेयरी से आता है, उसने ये जवाब नहीं दिया कि गाय दूध देती है, तो ये बच्चे के विकास के कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो चार ऑप्शन दे देगा, बताओ कौन से पर आधारित है। तो ये एक प्रकार की थ्योरेटिकल चीज हो गई, आपको पता ही नहीं चलेगा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो सिद्धांत है वो आपका निरंतरता का सिद्धांत, ये सिंपल है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही हम इतनी लंबी चौड़ी कथा इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि विकास जो है कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है, जन्म से पहले स्टार्ट होता है गर्भावस्था से और आपका जो है मृत्यु तक चलता रहता है, निरंतर चलता है, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा लेकिन चलता रहता है, उसी को निरंतरता का सिद्धांत हम कह सकते हैं। तो इसका एक प्रश्न आया था पिछले साल 2021 वाले में कि जो
विकास का चरणीय सिद्धांत जो है, यानी कि बच्चा जो है एक चरण से दूसरे चरण पे जाता है, तो वो विकास के कौन से सिद्धांत पे आधारित है? तो नीचे दिया था निरंतरता का सिद्धांत, एक और दिया था दिशा का सिद्धांत, एक ऐसे कुछ दे दिया था सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो वहां पे आपको पहचानना था कि कौन सा सिद्धांत है। तो सीधी बात है, निरंतर चलेगा तभी स्टेप बाय स्टेप बच्चा आगे बढ़ेगा। आगे दूसरे सिद्धांत की बात करें तो वो है आपका विकास की गति की भिन्न भिन्न दर। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो जब अवस्थाएं हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था शेष अवस्था में विकास बहुत तेजी से होता है, सबसे तेज। उसके बाद बाल्यावस्था में जब बच्चा एंटर करता है 7-8 साल की एज में, जब 6 साल के बाद, तो विकास थोड़ा सा धीमा हो जाता है। उसके बाद में फिर किशोर अवस्था आती है और फिर विकास जो है बहुत तेजी से होता है। और ये क्यों होता है, वो जो 10वां सिद्धांत है उसमें उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि कभी विकास बढ़ता है कभी घटता है, ऐसा होता क्यों है। ये तो हमें पता चल गया कि ये जो घटने बटने बढ़ने वाली जो प्रक्रिया है उसको हम ये वाला सिद्धांत मानते हैं, विकास की गति की भिन्न भिन्न दर। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि विकास जो है कभी तेज हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो इसकी भी वजह है, इसको हम एंड में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि जो दर होती है वो घटती बढ़ती है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि सभी बच्चों के जो डेवलपमेंट हो गए उनमें थोड़ी बहुत विभिन्नता पाई जाती है, डिफरेंस पाया जाता है। कोई बच्चे का विकास तेजी से होता है, किसी बच्चे का विकास स्लो होता है। और एक एज पे आके जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस बच्चे का विकास स्लो हो रहा था उसका तेज हो जाता है, और जिसका तेज हो रहा था उसका थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ऐसा भी डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए दो जुड़वा भाई बहन है, मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, उससे और अच्छे समझ में आएगा। अगर जुड़वा भाई बहन है तो बराबर ही होंगे, मतलब दो भाई हैं जुड़वा हैं तो वो बराबर एज के होंगे। एक बच्चा जो है वो जब 2 साल का हुआ या 4 साल का हुआ, एक की हाइट है 2.5 फीट और दूसरे की हाइट है 2 फीट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक का विकास तेज हो रहा है एक का स्लो हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो 7-8 साल के हुए तो जिसकी हाइट कम थी उसकी हाइट ज्यादा हो गई, और जो दूसरा वाला जिसकी हाइट तेज चल रही थी उसकी हाइट उससे कम लगने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ जबकि एज एक जैसी है? तो यही हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इसी प्रकार के और भी विकासों में इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जा सकता है, संज्ञानात्मक विकास में देखा जा सकता है, आपका जो है सामाजिक विकास में डिफरेंस देखा जा सकता है, भाषा विकास में डिफरेंस देखा जा सकता है। कुछ बच्चे 12 महीने की स्टेज में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे 16 महीने की, और कुछ 2 साल की स्टेज में जाके बोलना स्टार्ट करते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो पाई जाती हैं, ठीक है। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, यहाँ पे विकास क्रम का मतलब यह है कि जो हमारा विकास है वो चरणों में होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होता है। इसका एग्जाम्पल पहले दे चुका हूं, बच्चा सबसे पहले गर्दन संभालना सीखता है, फिर बच्चा बैठना सीखता है यानी कि अपनी कमर को संभालना सीखता है, उसके बाद में बच्चा जो है घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर सहारा लेकर खड़ा होना सीखता है, कोई बेंच पकड़ के, सोफा पकड़ के या कुर्सी पकड़ के इस तरह से, फिर वो जो है सहारे के साथ ही चलता है, सोफे के साथ साथ पकड़ के उसको, या चारपाई के साथ में पकड़ के चलता है, फिर जो है वो उसको छोड़ के बिना सहारे के भी चलना लगता है, फिर उसके बाद में वो दौड़ना सीख जाता है, भागना सीख जाता है। तो इसमें क्या है कि जो ये क्रम है, जो ये स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि एक चरण को छोड़ के बच्चा जो है दूसरे चरण में एंटर कर गया हो, वो चरण बाय चरण ही चलेगा। तो ऐसा जो होता है वो जितने भी मानव है इस धरती पे, पूरे जितने भी 7 अरब के आसपास हैं, तो उन सभी का विकास जो है इन्हीं स्टेप से होके गुजरा है। कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो इस क्रम को फॉलो ना करे, इसीलिए इसको समरूपता कह रहे हैं। समरूपता या एकरूपता, कि जो विकास का क्रम है वो सभी व्यक्तियों में सभी बच्चों में एक समान होता है, चाहे वो चाइना का बच्चा हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो ईरान का हो, किसी भी देश का बच्चा होगा वो इसी क्रम को फॉलो करेगा। अब ये तो हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं, पशुओं में भी ऐसा होता है। अगर पशु की बात करें तो एक प्रजाति के पशु का जो चरण होगा वही चरण उस प्रजाति के सभी पशु का होगा। जैसे अगर भैंस की बात करें तो भैंस का बच्चा जो होता है वो एकदम से, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो वो चलना स्टार्ट नहीं कर देता, वहां पे क्या है उसको कुछ घंटे लगते हैं खड़े होने में, मतलब पहले वो सिर्फ बैठे रहता है कुछ घंटे, या एक दिन भी हो सकता है, या 1.5 दिन या 2 दिन भी हो सकता है, फिर वो खड़ा हो जाता है। मतलब 1 दिन से ज्यादा का समय, 2 दिन से ज्यादा का समय वो नहीं लेता, वो चलना सीख जाता है। जो बकरी का बच्चा होता है उसको 5 मिनट नहीं लगते, बच्चा पैदा हुआ खड़े हुआ चलना सीख जाता है, मतलब वो चलना आता है उसको ऑलरेडी, वो भागने लगता है। तो बकरी का बच्चा ऐसा होता है। फिर कुछ जानवर ऐसे होंगे जिनके बच्चे जो है वो बहुत कई महीने तक जो है उनकी आंखें ही नहीं खुलती, जैसे आई थिंक भालू के बच्चे ऐसे होते हैं, मुझे फॉर एग्जाम्पल ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनके बच्चे पैदा होने के बाद उनको देखने में भी कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि आंखें ही कई महीने में खुलती हैं, फिर उसके बाद में वो चलना स्टार्ट करते हैं। तो
तो ऐसा जो रूप जो क्रम होता है स्टेप होते हैं वो सेम प्रजाति के एक जैसे होते हैं। मानव की बात कर रहे हैं तो बालक के जो है मनुष्य का जो बच्चा होगा वो सभी बच्चे इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये है आपका विकास क्रम का सिद्धांत। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी कि सिंपल सी बात यह है इसका कि जो विशिष्ट कोई भी एक काम है उसके विशिष्टता से पहुंचने से पहले उसका एक सामान्य रूप होता है। और ये सिर्फ विकास में नहीं है, हम अपने डेली के रोज के कामों में भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम क्या एग्जांपल लें, हम मान लीजिए कोई ऐसी लैंग्वेज लिखना सीख रहे हैं जो हमें आती नहीं है, न्यू लैंग्वेज। जैसे कि मान लीजिए हम उर्दू लैंग्वेज सीखना सीख रहे हो, ठीक है, अगर आप लोगों को उर्दू नहीं आती तो जब आप उसको पहले दिन लिखेंगे तो पहले दिन आप बहुत ही गंदा रूप लिखने वाले हो, यानी कि आपका जो है लेटर है वो कोई इधर को भागेगा कोई उधर को भागेगा, मतलब सही तरीके से बना नहीं पाएंगे उसको। फिर हम नेक्स्ट डे फिर ट्राई करेंगे तो जब हम उसको अच्छे से लिखते रहेंगे उसका मीनिंग भी समझते रहेंगे तो एक महीना दो महीना डेढ़ महीना तीन महीना के बाद जो है हम उसको बहुत परफेक्ट तरीके से लिख पाएंगे, अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो जो उसका पहला दिन था वो सामान्य रूप था और जो उसका आखिरी दिन है वो उसका विशिष्ट रूप है। तो विशिष्ट रूप से पहले एक सामान्य रूप हर चीज का होता है, चाहे वो कोई सा भी काम हो। तो यही कह रहे हैं कि बच्चे का जो विशिष्टता आती है किसी भी काम में उससे पहले उसके सामान्य रूप देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो बात करना सीखता है तो बात करने से पहले वो कुछ ऐसे शब्द बोलता है जो जिनका मीनिंग भी नहीं होता, जैसे कि बबलाना हो गया, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, बबलाना हो गया उसके बाद में कुछ एक दो शब्द बोलेगा उसमें विशिष्टता नहीं होगी, साफ नहीं बोलेगा शब्दों को, तो उसके परिवार वाले समझ पाते हैं और लोग समझ भी नहीं पाते उन बातों को, तो उनमें जो है ऐसी चीजें होती है। फिर धीरे धीरे उसमें विशिष्टता आती है, स्पेसिफिक बनते चले जाते हैं और बहुत उसमें परफेक्शन आता चला जाता है। तो एक विशिष्ट रूप से पहले सामान्य रूप होता है किसी भी डेवलपमेंट का। ठीक है, जब चलना बच्चा सीखता है तो पहले लड़खड़ा के चलता है, ऐसे दोनों तरफ हाथ फैला के चलता है बच्चा कि गिर ना जाए, ऐसे ऐसे चलता है ना बच्चा, आपने देखा भी होगा, तो ऐसे ऐसे चलता है। फिर उसके बाद में जो भागता भी है वो, तो भागने का सामान्य रूप क्या हुआ, वो लड़खड़ा के चलना जो है वही सामान्य रूप है। तो विशिष्टता से पहले सामान्य रूप दिखता है किसी भी विकास का। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण में क्या होता है, इसमें ये कह रहे हैं कि बच्चा जो है एक से ज्यादा कोशनों को या एक से ज्यादा शारीरिक अंगों को जब एक साथ एकीकृत करके उनका उपयोग करने लगे तो उसको एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। पहले क्या है, बच्चा जो है किसी भी बोतल को, पानी की बोतल हो या कोई सामान हो, वो ऐसे पकड़ता है, मतलब उसको अगर ये बोतल है तो वो ऐसे पकड़ेगा, मतलब यहाँ पे लगा के अपने चेस्ट से और दोनों हाथों से, क्योंकि उसको एक हाथ का प्रयोग करना आता नहीं है। तो उसके बाद में क्या है, धीरे धीरे बच्चा जो है जब उसके हाथ परफेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो उंगली और अंगूठों का इस्तेमाल करके बोतल को ऐसे भी पकड़ सकता है या दोनों हाथों का इस्तेमाल करके दोनों हाथों से पकड़ सकता है। तो यही एकीकरण है भाई, दोनों हाथों की मसल्स हैं एक साथ उपयोग हो रही है, चारों उंगली मतलब पांचों उंगली इसकी पांचों इसकी सभी एक साथ इस्तेमाल हो रही है गेंद को फेंकने में, बॉल को फेंकने में मान लीजिए, तो किसी भी चीज में। तो यही एकीकरण है जो कई सारी क्षमताओं का मिल करके जब बच्चा इस्तेमाल करना सीख जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। और एकीकरण जो है वो सिमटता है, छोटा होता है। जैसे कि रोने का एग्जांपल मैं दूं आपको, तो जब बच्चा छोटा होता है, नवजात शिशु होता है, तो जब वो रोता है तो उसकी पूरी बॉडी रिएक्ट करती है, यानी कि उसके हाथ भी चल रहे होते हैं, पैर भी चल रहे होते हैं, मुंह से चिल्ला भी रहा है और आंखों से आंसू भी आ रहे हैं और हिल भी रहा है, मतलब पूरा शरीर उसका एक्टिव रहता है जब वो रो रहा होता है। तो रोने की प्रक्रिया क्या ऐसी है जिसमें पूरा शरीर चलना चाहिए, नहीं, तो ये एक तरह से उसका जो है विस्तृत रूप है। और फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो सिर्फ वो रोएगा तो उसकी आंखों में आंसू आएंगे और फेस के एक्सप्रेशन चेंज होंगे, शरीर पे कोई भी उसके और कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलता। तो इसका मतलब उसकी जो रोने की जो प्रक्रिया है उसका एकीकरण हो चुका है, ये भी इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, अब आता है आपका दिशा का सिद्धांत। सबसे ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं आजकल की डेट में, यानी कि जो नए पेपर हो रहे हैं ऑनलाइन वाले, सबसे ज्यादा प्रश्न इससे आ रहे हैं। दिशा के सिद्धांत को दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका निकट दूर नियम और दूसरा है आपका मस्तदोमुखी नियम। इंग्लिश में इसको प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं, इसको सेफलोपोडियल कहते हैं। तो निकट दूर नियम का मतलब ये है कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्पाइनल कोड होती है, उसके पास के अंगों का विकास पहले होता है और दूर के अंगों का विकास बाद में होता है। जैसे मेरी स्पाइनल कोड है तो मेरी स्पाइनल कोड के पास सबसे करीब कौन सी चीज है, मेरे शोल्डर है, और शोल्डर से भी करीब कौन सी चीज है, मेरी गर्दन है। सबसे स्पाइनल कोड के सबसे करीब कौन सी चीज है, स्पाइनल कोड के गर्दन होगी। तो बच्चा सबसे पहले गर्दन संभालना ही सीखता है,
जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले गर्दन संभालना ही सीखता है, उसके बाद में पीठ यानी कि बैठना, तो और हाथों की बात करेंगे तो पहले शोल्डर का विकास होगा, फिर आपकी पूरी भुजा का विकास होगा, यानी कि बच्चा जो है अपने हाथ को ऐसे चला पाएगा, ये वाला विकास हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो है हमारी हथेली का विकास होता है, हम किसी चीज को पकड़ सकते हैं, बच्चा खाना भी खाता है तो वो ऐसे ही खाता है, ऐसे वाला, वो कभी भी उंगलियों से इस तरह से नहीं खाता बच्चा, क्योंकि उनका विकास बाद में होता है, पहले वो सिर्फ हथेली का विकास होता है, तो बच्चा ऐसे पकड़ता है खाने को भी, मतलब ऐसे वाला, आपने हमेशा देखा होगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो अलग दूसरे प्लैनेट की मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में बच्चे की उंगलियों का विकास होता है, तो कैसे चल रहा है, पहले शोल्डर, फिर भुजा, फिर एल्बो, फिर उसके बाद में हथेली, उसके बाद में उंगलियों का विकास हो रहा है। तो ये जो विकास है उसी प्रकार से हम पैरों की बात भी करें, तो पहले बच्चा जो है बैठना सीख रहा है, तो उसके जो है हिप्स का कह सकते हैं और स्पाइनल कॉर्ड का, दोनों का, कमर का विकास हो रहा है। उसके बाद में बच्चा जो है घुटनों के बल चलना सीखता है ना, फिर घुटनों के बल चलने सीखने के बाद जो है बच्चा खड़े होना सीखता है। तो क्या है, बच्चे का विकास जो है वो कैसे हो रहा है, वो जो रीढ़ की हड्डी है उसके पास वाले अंगों का पहले हो रहा है और दूर वाले अंगों का बाद में हो रहा है, और ये बिल्कुल सिद्ध है, और इसी को क्या कहते हैं, अधोगामी विकास कहते हैं। ठीक है, इसके तीनों नाम याद रखना, इंग्लिश में तो याद रख सकते हैं प्रोक्सिमा डिस्टल, निकट दूर नियम भी कहते हैं, और इसको अधोगामी भी कहते हैं। दूसरा है आपका शीर्षगामी, इसको कहते हैं मस्तकाभिमुखी, मस्तक मैंने माथा होता है, मस्तक माथे को कहते हैं, उसी से बना है। तो हमारा जो विकास होता है वो सिर से लेके पैर की तरफ होता है, पहले गर्दन का विकास होगा, फिर हमारी बैक का विकास होगा, फिर हाथों का साथ में होता है बैक का और हाथों का, उसके बाद में हमारे पैरों का विकास होता है, जैसे जैसे चलने की स्टेज के मैंने चरण आपको बताए हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि गर्दन संभालना बच्चा ना सीखे और बैठना सीख गया हो, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो पहले सिर का विकास होता है, सिर से नीचे की तरफ को होते हुए चला जाता है, हालांकि रिलेट करते हैं एक दूसरे से, लेकिन प्रश्न अलग ही बनते हैं दोनों के। तो ये याद रखना, शीर्षगामी कौन सा है और अधोगामी कौन सा है। नेक्स्ट, आपका भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये एक सिद्धांत होता है और ये बिल्कुल सही है, ये पुराने जमाने से हमेशा से चला आ रहा है, भले ही हमें पता नहीं था, हमारे माता पिता या जो हमारे दादा दादी थे वो सब कहते थे कि इसके पैर तो पालने में नजर आ जाते हैं, मतलब बच्चे के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि यही वजह है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, जब छोटा बच्चा होता है उसकी हरकतों को देख के बच्चे को बड़े लोग बता देते हैं कि ये जो है बड़े होके क्या करने वाला है, मतलब शारीरिक विकास से अगर देखेंगे, अगर वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और हेल्दी है तो उसको कहेंगे ये स्पोर्ट्स में जाएगा, ये बड़े होके जो है पहलवान बनेगा, ऐसी बातें करते हैं ना। और जो बच्चा थोड़ा इंजीनियरिंग टाइप की चीजें करता है, मतलब चीजों को तोड़ फोड़ता है, जोड़ता है खिलौनों को, ऐसी चीजें करता है, बोलते हैं इंजीनियर बनेगा बड़े होके, तो ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो इंजीनियर ही बनेगा, उनके कहने का मतलब ये है कि इसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो बहुत तेज है, उनको ये शब्द नहीं पता, हमारे माता पिता या जो दादा दादी थे उनको क्या पता, उनको ये शब्द थोड़ा पता है कि संज्ञानात्मक विकास भी कोई चीज है, वो सिर्फ ये मानते हैं कि ये बुद्धि से तेज है, इसका दिमाग तेज है, वो उनको इतना पता होता है, तो पता उनको है, शब्द अलग है उनके, बस इतना है। तो भविष्यवाणी की जा सकती है, बच्चे के 2 साल के डेवलपमेंट को देख के अगले 6 साल तक का डेवलपमेंट बताया जा सकता है कि इसका विकास कैसा होने वाला है। ठीक है, परस्पर संबंध का विकास, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि सारे जो विकास होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमारा शारीरिक विकास नहीं होगा तो हम चीजों को, जैसे कि मान लीजिए हाथ का विकास नहीं हुआ तो पेंसिल पकड़ नहीं पाएंगे, लिखना नहीं सीखेंगे, हम स्कूल में गुणा भाग करना नहीं सीख पाएंगे, तो हमारा संज्ञानात्मक विकास क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। इसी प्रकार से अगर संज्ञानात्मक विकास अच्छा नहीं होगा तो हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे, सामाजिक विकास भी नहीं होगा, नैतिक विकास भी नहीं होगा, और संज्ञानात्मक विकास कमजोर होगा तो हम शब्दावली नहीं जान पाएंगे, तो भाषा विकास प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे सिद्धांत, लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला है वो है आपका शारीरिक विकास। एक प्रश्न बनता है कि सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त कौन सा विकास है, तो पहली शर्त होती है आपका शारीरिक विकास। अगर शारीरिक विकास अच्छा नहीं हुआ तो बाकी के सारे विकास जो है वो अच्छे नहीं होते, सब प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए शारीरिक विकास अच्छा होना चाहिए, फिर सारे विकास अच्छे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहां पर विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। ये वही चीज है कि जब बच्चे का विकास जो है कभी तेजी से होता है, फिर स्लो हो जाता है, फिर तेजी से, तो ये क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि विकास सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। इसको एक ग्राफ के द्वारा भी समझाया गया है, इस तरह का ग्राफ होता है, मैं बना भी नहीं पा रहा हूं उस ग्राफ को, ऐसे ही समझा देता हूं मैं आपको, मतलब ये है
कि जैसे हमारा जो डेवलपमेंट होता है, जैसे शेष अवस्था है और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, 6 साल तक की जो अवस्था है उसमें विकास बहुत तेजी से होता है, शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है, जब बच्चे का विकास तेजी से हुआ, उसके बाद में जो उसकी ग्रोथ हुई है, जो उसकी मसल्स है, तो मैं आम भाषा में आपको बताऊं तो उसकी मसल्स जो है वो कच्ची हैं, मतलब मुलायम है, सॉफ्ट है, नई नई बनी है। तो नई नई जो सॉफ्ट मसल्स हैं, अगर हम उन पे और ज्यादा वजन डाल दें, जो उसकी बोन्स हैं वो भी कमजोर है, वो भी मुलायम है, अभी नई नई बन रही है, भाई बच्चा पैदा हुआ, अभी अभी ग्रोथ हुई है, नई नई मसल्स है, नई नई उसकी हड्डियां हैं, तो अगर उस पे और ज्यादा वजन हमने डाल दिया, यानी कि उसको जो है हम ऐसे ही बढ़ता चला गया और उसकी 1 फीट हाइट बढ़ गई, 5 किलो 10 किलो वजन बढ़ गया, तो उसकी हड्डियां मांसपेशियां जो है वो टूट जाएंगी, मांसपेशियां टूट जाएंगी, फट जाएंगी, या उसकी हड्डियां जो है टूट सकती है। तो होता क्या है, जो विकास है उसका इतना हुआ है वो रुकता है थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, 6 महीने, साल, 2 साल, और जो मसल्स हुई हैं, जो हड्डियां हुई हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हम कुछ नहीं करते, ये नेचर द्वारा, भगवान द्वारा, अल्लाह द्वारा बनाया गया एक प्रोसेस है। बहुत इंटेलिजेंट, मतलब उस लेवल पे जाके तो हम सोच भी नहीं सकते, हमारा तो इतनी क्षमता है ही नहीं दुनिया के, मानव की है ही नहीं, जो वहां जो नेचर के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा जो चीजें चल रही हैं अल्लाह भगवान के द्वारा, उसको तो हम सोच भी नहीं सकते वहां तक। तो ये सिर्फ जो चीजें हमें सामने दिख रही है उनको सिर्फ समझ सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो ऐसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, कोई घर बनाया जाता है, कोई इमारत बनाई जाती है, तो जब उसकी बुनियाद रखी जाती है तो क्या करते हैं हम, ऐसा कभी नहीं होता जैसे उसकी बुनियाद खोदते हैं ना बहुत गहरी, 4 फीट 5 फीट, या जो लंबी बिल्डिंग होगी उसकी 10 फीट, और बड़ी बिल्डिंग होगी 20 फीट, उसके नीचे तक बुनियाद खोदते हैं। तो जब उस पर कंकड़ मिट्टी बिछाए जाते हैं तो कैसे करते हैं हम, इतनी मोटी परत बिछाते हैं मिट्टी कंकड़ की, उसके ऊपर उसको या तो ठोकते हैं हम अगर नॉर्मल छोटा काम है, या फिर जो हमारी एक मशीन होती है उसके द्वारा हम उसको उसके ऊपर चलाते हैं, उसको दबाते हैं, जब वो पूरी इतनी मोटी जो थी वो दब के इतनी रह जाती है, फिर उसके ऊपर फिर से डालते हैं मिट्टी कंकड़ सब चीजें, उसके ऊपर फिर वो चलाते हैं मशीन, या उसको दुर्मट से ठोकते हैं तो वो और बैठ जाती है, फिर से वो दब जाती है, फिर उसके ऊपर और मिट्टी कंकड़ डालते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे मजबूत होती चली जाती है मजबूत, और जब इमारत बनाएंगे उसके ऊपर तो वो टिकी रहेगी। तो अगर हम ऐसा ना करें, और हमने जो है इतने स्थान है हमारा मान लीजिए 2-3 फीट, हमने उस पर मिट्टी डाली और ऊपर मकान बनाना स्टार्ट कर दिया, तो जब उसका ऊपर जो मकान बनेगा उसका जब वजन आएगा तो जो इतनी मिट्टी थी वो दबेगी, और दब के इतनी हो जाएगी, और दबेगी जैसे वो, तो आपका फर्श भी टूट जाएगा और आपकी दीवारों में भी दरार आ जाएंगी, तो ये नुकसान होता है। तो सेम चीज यहाँ पे लागू हम करते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, जैसे 6 साल का बच्चा है और एकदम से वो बड़ा हुआ, तो उसकी जो मांसपेशियां बनी है, उसकी जो हड्डियां बनी है, वो क्या है, वो अभी थोड़ी सी कमजोर है, तो उनको मैच्योर होने की जरूरत है, इसलिए विकास थोड़ा स्लो होता है, परिपक्व होती है उसकी मसल्स, उसकी ग्रोथ, सब चीजें, हड्डियां, फिर उसके बाद में जो है, फिर 2-4 साल के बाद में फिर उसका विकास जो है तेजी पकड़ता है। तो इसको हम कहते हैं विकास जो है लंबवत ना होकर वर्तुलाकार, वर्तुलाकार का मतलब है कि वापस लौटता है, यहां से अगर विकास शुरू हो रहा है, मान लीजिए यहां तक गया, फिर उसके बाद में यहां लौटेगा, ये डेवलपमेंट की सीढ़ी है, यानी कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पहुंच गया विकास इस पॉइंट पे, अब उसको इस पॉइंट से यहां जाना चाहिए, लेकिन वो यहां नहीं पहुंचता, यहां से वापस आता है इसको मजबूत करने, यहां से इसको मजबूत करेगा, फिर जाएगा ऊपर, फिर जो ये बीच का खाली स्थान हुआ है इसको मजबूत करेगा सॉरी ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आप भी कहोगे कि एग्जांपल बहुत ज्यादा देता हूं मैं, और मैं देता हूं वाकई में, ये बात भी सच है, एग्जांपल बहुत ज्यादा देता हूं मैं, तो लेकिन मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है एग्जांपल के द्वारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और वो लंबे समय तक याद रहता है, तो आपकी मेमोरी में घुस जाएगी ये बात, अगर आप पूरे एग्जांपल में जितने भी देता हूँ आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन अनकॉन्शियसली आपको ये चीजें याद होती जा रही है साथ साथ, आपको बाद में इसको दोबारा याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहीं पर सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो इसका एक एग्जांपल सिंपल सा वो है कि जब हम जिम में जाते हैं तो शुरू के महीने में 2-3 महीने तक हमारे ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, चाहे आप हम वजन बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, तो जो हमारी मसल्स बनती है वो बहुत तेजी से बनती है शुरू में, लेकिन क्या होता है कि 3 महीने या 6 महीने के बाद में हमारी ग्रोथ रुक जाती है, फिर हम कहते हैं यार हमारा जो अब मतलब हमारा जो आर्म्स है वो अब बड़ा नहीं हो रहा, हमारा जो ग्रोथ थी शुरू में जो है एकदम से बड़ी, हमारा आर्म्स जो है 2 इंच बड़ा हो गया, लेकिन अब बड़ा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो शुरू में जो बढ़ा है अब उसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा,
इसलिए ग्रोथ जो है स्लो होती है। तो कुछ टाइम के लिए जो मसल्स बनी है वो मैच्योर होती है, उसके बाद में फिर बढ़ना स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अनुवांशिकता में वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ये सिंपल सी बात है। जो डेवलपमेंट हो या वृद्धि हो, अनुवांशिकता से जो गुण मिलते हैं आपके माता पिता के द्वारा, वातावरण किस प्रकार का है उसमें ही वो डेवलप होते हैं। वो गुण जो है डिपेंड करेगा, अच्छा वातावरण होगा तो अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा विकास होगा। वातावरण अच्छा नहीं होगा, पालन पोषण खाना पीना अच्छा नहीं होगा, सब चीजें अच्छी नहीं होंगी, तो विकास जो है अच्छा नहीं होगा। तो दोनों की अंतःक्रिया से होता है, ये एक अलग टॉपिक है, इसको अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं फिनिश। तो एक्चुअली करना तो और भी टॉपिक थे इस वीडियो में, मैंने जैसा आपको बताया था, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस जो सॉल्व करने थे इससे रिलेटेड, लेकिन अभी लगभग 2 घंटे के आसपास की वीडियो हो चुकी होगी है, तो काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, और थोड़ा सा मेरी तबीयत जो है वो पूरी तरह से ठीक हुई नहीं है। जैसा कि आपको बताया, लगभग 3-4 दिन से वीडियो आई नहीं थी चैनल पे, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और अभी भी मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, बट ये है कि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। ये वीडियो काफी अच्छी बनी है, बहुत बढ़िया कंटेंट बना है। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो आपको वही देख सर्च करना है, सीटेट मैराथन 2023, सीटेट मैराथन क्लासेस 2023, इस नाम से आपकी प्लेलिस्ट बन जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको जो है सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। नोट्स जिनको लेना है नोट जरूर ले लेना, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, और जिन लोगों ने नहीं लिए नोट्स तो वो जल्दी ही खरीद लो, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स के लिए बोलना कि फर्स्ट पेपर चाहिए या सेकंड पेपर, ऐसे लिख के मैसेज करना, सीटेट फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, तो आपको नोट्स पूरे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। नोट्स बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, तो इसलिए नोट्स ले लेना। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो नए लोग हैं अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि अगली वीडियो आप देख पाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होने वाला है। तो इससे आगे की नेक्स्ट वीडियो करेंगे वो थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे, बस इतना करेंगे, क्वेश्चंस भी उसी में सॉल्व करेंगे। इसको फिलहाल मैं यहीं पर करता हूं फिनिश। लाइक करना इसको अगर पसंद आए तो, थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।